ठीक है, साउंड क्लियर? ओके, टुडे विल बी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ एंशिएंट इंडिया विद स्पेसिफिक फोकस ऑन आर एस शर्मा. ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ चैप्टर्स इन आर एस शर्मा. कितना चैप्टर है? मल्टीप्लाई बाय टू. ठीक है, देयर आर अराउंड 30+ चैप्टर्स. ठीक है ना, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड विच चैप्टर्स आर इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिकली फ्रॉम ऑप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, टुडे आई विल बी डिस्कसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट एंशिएंट इंडिया फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बेसिक्स. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड बिफोर रीडिंग एनी बुक. सो व्हेन वी टॉक अबाउट एंशिएंट इंडिया, देयर आर हिस्ट्री स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. इफ यू टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया और हिस्ट्री ऑफ ह्यूमंस, इट स्टार्ट्स फ्रॉम एंशिएंट इंडिया. ठीक है ना, देयर इज नो डिफरेंस रिगार्डिंग दैट. बट फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस हिस्ट्री, सो व्हाट इज हिस्ट्री इफेक्टिवली? ह्यूमन इवेंट्स. ठीक है ना, विच हैव बीन रिकॉर्डेड. सी आर इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, है ना, जैसे हम लोगों के लिए यादें होती हैं. हिस्ट्री में क्या होते हैं? इवेंट्स, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स विच हैव अफेक्टेड ह्यूमन लाइफ. सो व्हाट अफेक्ट्स ह्यूमन लाइफ, दैट इज समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड. व्हाट डज इफेक्ट ह्यूमन लाइफ, क्या क्या चीज़ों का इम्पैक्ट रहता है अपनी लाइफ पे? यस, सोसाइटी अफेक्ट्स अस, देन व्हाट एल्स? ठीक है, एनवायरमेंट, रिलीजन, पॉलिटी, अब सब आ गया ना, इकोनॉमी, देन व्हाट एल्स? सॉरी, यस, व्हाट एल्स? ज्योग्राफी, एनवायरमेंट आसपास में आ गया, अब सारे सब्जेक्ट के नाम आ रहे हैं बस. एथिक्स. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग एथिक्स इज वेरी डिफिकल्ट, है ना, स्पेसिफिकली फ्रॉम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू. देन वी ऑल्सो हैव टेक्नोलॉजी, वी ऑल्सो हैव आर्ट एंड आर्किटेक्चर, सो व्हेन वी रीड अबाउट हिस्ट्री, ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव इम्पैक्टेड अस. ओके, बट व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस, हाउ डज दीज थिंग्स केम इन टू बींग. सो फ्रॉम विच टाइम डू यू थिंक पोलिटिकल लाइफ स्टार्टेड इन इंडिया? महाजनपदा, ऋग्वेदा, एनी वन एल्स? वेन डिड पोलिटिकल लाइफ स्टार्टेड इन इंडिया? मौर्या, गुप्ता रह गया, पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा. यस, पॉलिटी, इफ यू टॉक अबाउट पॉलिटी, वेन डिड इट स्टार्ट? पैलियोलिथिक पीरियड. कौन थे राजा? देखो, वन थिंग इज दे कैन बी पॉलिटिकल लाइफ, बट पॉलिटी एज एन इंस्टीट्यूशन, जैसे हम इन नॉर्मल लाइफ भी से कि यार ये तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स करता है. ठीक है ना, दैट नेचर कैन बी देयर, बट एज एन इंस्टीट्यूशन फ्रॉम वेयर डज इट स्टार्ट? ठीक है, सो इफ वी सी इट्स गोइंग टू बी इंडस वैली सिविलाइजेशन. ठीक है, जिसमें कुछ इंस्टीट्यूशन होंगे, बट वी डू नॉट हैव डायरेक्ट रिफ्लेक्शन. व्हाई? बिकॉज स्क्रिप्ट इज नॉट डिसाइफर्ड सो फार, बट वी नो द वे सिविल इंस्टीट्यूशंस हैव वर्कड एक्सेट्रा. देयर मस्ट हैव बीन सम अथॉरिटी विच वॉज टेकिंग केयर ऑफ ऑल द थिंग्स, बट फर्स्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट दैट वी सी विद रिस्पेक्ट टू पोलिटिकल लाइफ, इट इज फ्रॉम वैदिक पीरियड. ओके, बट इफ यू सी
ऑर्गेनाइजेशन एंड द कंसेप्ट ऑफ स्टेट. दिस इज मोर और लेस सिनोनिमस विद महाजनपद. ठीक है. सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री यू शुड नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स. व्हाट इज सोसाइटी, हाउ सोसाइटी इंपैक्ट्स अस. सो हाउ डज सोसाइटी इंपैक्ट्स अस. शर्मा जी के लड़के, हाँ शर्मा जी के लड़का जो कर रहा है वही करना है. हाउ डज सोसाइटी इंपैक्ट अस. हाउ वर्क कल्चर, यस. आर बिहेवियर इज मोडरेटेड बाय सोसाइटी, राइट. व्हाट वी वेयर, व्हाट वी थिंक, व्हाट वी ईट, ईच एंड एवरीथिंग गेट्स मोडरेटेड. इवन मोरालिटी ऑफ आर लाइव्स, है ना, क्या अच्छा है क्या बुरा कौन डिसाइड करता है? सोसाइटी एज अ होल. वी क्रिएट लॉज फॉर आर सेल्फ. दिस इज हाउ पीपल आर गोइंग टू वर्क. ओके. सो what is important is you need to understand the institution, these institutions. Once we understand these institutions, then we are going to start with the NCRT. Isme kuch zyada time laga, we'll talk about 15-20 minutes only. So society is clear, but we have to go even more deeper. How society affects the gender relations, hai na. By birth we have sex, male or female, but how men and women and their roles are partitioned, they are because of society. All right. Then if we talk about environment, how does environment affects humans? Batao. Sir, our economy is also connected with the geography. Theek hai. Economy is thoda aur direct. What we eat, it depends on the environment. What we have, right? Theek hai. Jo bhi crops hain, theek hai na, they are from environment. Agar agriculture support nahi kar payega, it will be difficult to live there. ठीक है ना. दैट्स वाई मोर पीपल आर लिविंग इन दी गंगेटिक हार्टलैंड रेदर देन लद्दाख, बिकॉज हेयर वी हैव मोर रिसोर्सेस. बिग एम्पायर्स कहाँ से बनना शुरू हुआ? फ्रॉम विच एरिया? फ्रॉम गंगेटिक वैली, फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया, नॉट फ्रॉम साउथ इंडिया. वाई दे डिड नॉट स्टार्ट फ्रॉम साउथ इंडिया? बिकॉज रिसोर्स बेस वॉज मोर इन नॉर्थ इंडिया. इवन टूडे इफ यू सी हाई पॉपुलेशन फ्रॉम यूपी बिहार साइड, more number of political seat, so who becomes PM depends upon northern India, है ना. वो तो बोलते ही है ना कि भाई PM का जो द्वार है वो अलाहाबाद के थ्रू होता है, अलाहाबाद और लखनऊ, उनके बिना कुछ नहीं हो सकता. एनी वे, देन कम्स रिलीजन. जब सारी चीज़ें काम नहीं कर रही होती तो हम किसके पास भागते हैं? रिलीजन, है ना. आर पर्सनल रिलेशन विद गॉड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है ना. इफ यू हैव गॉड, यू गॉट ए फ्रेंड, है ना. हमेशा वेन एवर देयर इज लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम कहाँ जाते हो? भगवान मिलते हैं या खुद से बातें करके खुश हो जाते हो? सो रिलीजन इज नॉट दैट सिंपल कि भाई दैट इज आर डायरेक्ट रिलेशन विद गॉड. देयर लॉट ऑफ थिंग्स, देयर इंपॉर्टेंट होली बुक्स, है ना. देयर प्रीस्ट, देयर इंटरमीडियरीज हु आर रेगुलेटिंग दी रिलीजन. ऑलराइट. सो हाउ डिड दिस रिलीजन केम इन टू बींग, कौन से टाइप में आया? जैसे हमने यहाँ तो बात कर लिया, ठीक है, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में वी कैन थिंक अबाउट सम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, बट वैन वी टॉक अबाउट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, वट ऑल थिंग्स वी सी दैट वी कैन से कि भाई फ्रॉम हेयर 100% रिलीजन स्टार्टेड. नेचर वर्शिप विच IVC में. There are a lot of practices related with religion. Look, there are two terms, है ना. One is religion, other is spirituality, है ना. आजकल का नया ट्रेंड क्या है? I am spiritual, I am not religious. Right? This is the new trend of today's society, है ना. वो भी society ने किया है. So why spirituality? रिलीजन बनता कैसे है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड सेक्ट? देयर आर सर्टेन फैक्टर्स, लाइक वी शुड हैव अ होली बुक, देन वी शुड हैव अ प्रीस्टली क्लास, लास्ट वी शुड हैव फॉलोअर्स. सब कुछ करके बैठ गए,
बट फॉलोअर्स नहीं है तो रिलीजन बनेगा? सो व्हेन ऑल दीज थ्री थिंग कंबाइन इट बिकम्स अ रिलीजन. एंड स्पिरिचुअलिटी इज मोर ऑफ डिसाइडेड बाय मैन फॉर हिमसेल्फ और अ वुमन फॉर हरसेल्फ. सो स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट डे व्हेन मैन वॉज बॉर्न, बट दिस इज नॉट नेसेसरी ट्रू फॉर रिलीजन. There can be a lot of practices which can become part of religion in the future, but the way religions are made. So, in India, which is the oldest religion? Do we consider Hinduism as a religion? Way of life. Why Hinduism is a way of life? There are some prominent deities. कितने भगवान हैं इंडिया में? 84 टाइम्स. काउंट किया जाके? There are more than 2-3 crores, है ना? So if you see India's population, हम अगर 120 करोड़ के आसपास हैं, तो कितना है? आसपास ही है बस. थोड़ा टाइम और रुको. We'll reach there. So Hinduism is more of a way of life. Hindu word was used by whom? Arabs. Arabs use the Sindhu word specifically, है ना? This was for river Indus, but from where they came Hindu, people who are residing in the place of Hindustan, so Hindu. So it is just a amalgamation of all the practices which are there in India. So that's why in general Hinduism is not considered as a religion. But जब हम कुछ भी documents भरते हैं, then it has some other specific meaning कि भाई ठीक है, you are following some Hindu practices, ठीक है, but in general we see it is known as a way of life. If आप अपना example ले लीजिए, ठीक है, you worship a lot of gods, ठीक है ना, Monday को किसका है? हाँ, शंकर जी को मनाना है. कल किनका है? हनुमान जी, ठीक है ना. ये सारे तो prominent deities हैं, but when you go to your village, सबके कुल देवता अलग अलग हैं, है ना. मेरी जब शादी हुई तो मुझे राजस्थान में शादी हुई. राजस्थान में यार उन्होंने मतलब इतने भगवान दिखा दिए छोटे छोटे. मैं सोचा यार मंदिर में लेके जाओ बड़े बड़े. नहीं, बट नहीं कि हर मतलब चौराहे पे यहाँ पर भी भगवान है, यहाँ पर भी भगवान है. काउंटिंग कैसे उतरते हो यार. एनीवे, सो हिंदुइज्म इज लाइक दिस. वट एवर वी आर फॉलोइंग वी हैव कंसिडर दिस अंडर द अम्ब्रेला ऑफ हिंदुइज्म. ठीक है, जो यहाँ पर रिजाइड करते हैं उसका जो मन करना है वो करे. दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट लिबरल रिलीजन. इफ यू सी एनी अदर रिलीजन देयर यू हैव टू फॉलो सर्टेन प्रैक्टिसेस, बट हिंदुइज्म में ऐसा नहीं है. नेवर माइंड, आई एम नॉट कंपेयरिंग कि भाई इसके अंदर भी कुछ फंडामेंटल एलिमेंट्स होते हैं, बट इन जनरल व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिसेस, ठीक है ना, बिकॉज हिंदुइज्म में देयर इज वन वेरी बिग यू कैन से ना लेवरेज दी गई है टू ह्यूमंस, जो गीता में भी बोला गया. क्या है वो? भगवान को मानना है तो मानो, नहीं तो मत मानो. इतनी फ्रीडम कोई रिलीजन नहीं देता है. ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड द मोस्ट लिबरल. बट विद इन एवरी रिलीजन दे आर फंडामेंटली, सो दैट इज समथिंग एंटायरली डिफरेंट. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द ट्रू फॉर्म, इट इज मोस्ट लिबरल. सो वी वर हियर रिलीजन. सो वी कैन सेफली से स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट्स फ्रॉम पैलियोलिथिक पीरियड, जो पहला पीरियड है वहीं से स्टार्ट हुआ है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट religion specifically, so from which period do we think it would be again from which part? Indus Valley civilization, ki wahan pe itni sari worships ko conglomerate bana diya gaya tha. Usse pehle we were having very small practices, so that's why we see we also compare Indus Valley religion with Vedic religion. Is it clear? So from here itself we talk about religion, then polity we have discussed. When we talk about economy, so economy starts from with the man himself, ठीक है ना. तो कुछ तो खाने पीने के लिए चाहिए ना. How the person is going to sustain, है ना. And along with that we see the development of economics. But economics के we have different facets, कि भाई it is subsistence in nature, ठीक है ना. और if we talk about कि hunting and food gathering, or when did the agriculture start, so when did agriculture start? Neolithic period, everybody knows that. But when did hunting and food gathering started? Paleolithic, from the beginning itself. Okay, but when did animal husbandry started? Mesolithic period. Okay, so these are the basic fundamental which you need to cram
ये करने पड़ेंगे. देन वील टॉक अबाउट द हिस्ट्री हिस्टोरिकल थिंग्स. ओके सो देन व्हाई टेक्नोलॉजी इज इम्पॉर्टेंट. Without technology, we cannot develop. During the Paleolithic period, we had certain stone technology. ठीक है ना. During Neolithic period, there was invention of wheel. Without wheel, you cannot imagine today's world. ठीक है ना. कुछ भी ले लो. ठीक है ना. Wheels का इतना ज़्यादा importance है. चाहे वो गाड़ी को लेके देख लो या फिर हवाई जहाज को देख लो. So, wheel has been a significant invention. So these technologies have also impacted our history. That's why you need to understand how technology starts from Paleolithic period and it goes on till the little end of ancient period. Then all of you, as all of you know, that all of us have aesthetic sense. We enjoy art and architecture. So art and architecture also starts from the Paleolithic period. In the beginning, it was the art itself. So all of you know about Bhimbetka, है ना. We have the oldest rock paintings from there. So art and architecture starts from there. How it evolved over the years, how this art was getting affected by religion. We were not having temples in the beginning. We were not having temples either in Indus Valley civilization or in Vedic period. They start from which period? Gupta period. ठीक है ना. Gupta period से start होता है Nagara style of architectures. So you need to understand this theme also, ki how art and architecture has affected us. Theek hai na. And in the end, it's all about institutions. Suppose if we talk about society, what all are institutions? This institution sustains the society. Marriage के institution को खत्म कर दो, कुछ बचेगा? The way lineage is happening in it, all over the world, it depends upon marriage. How do you find connectedness, belongingness? All because of marriage. ठीक है ना. So this institution is very important. Then we have another interconnected part, education. How whatever we learn, we try to transmit that through education. Okay, so whenever we talk about society, there are a lot of things which should come to your mind. Okay, then it should be division of labor. Means we try to compare the status of men with the status of women. What kind of works were assigned to men and women? Okay, this is very important. Then in general, we also talk about the status of all the other classes. ठीक है ना. When we have society, society is not homogeneous, it is heterogeneous, it is divided by you can think of n number of numeration, how society is divided. But the most important factor in India is caste. ठीक है ना. Indian subcontinent, it is getting affected by the institution of caste. So how the caste as an institution developed in India, you have to understand it. That's why when we talk about society, you have to think of all these things. ठीक है. Polity में what all could be important thing for us? You always try to establish, was there democracy or not? What kind of institutions were there? Was there any institution which was regulating elections? What kind of officers, etc. were there? What kind of administration can we see? Okay, we can always talk about law and order. We talk about provincial and central government.
So whatever polity we are having right now, similar kind of structure we try to establish during the ancient India also. So when you write answers, ठीक है ना, for writing those answers, you have to understand कि भाई जब भी polity का कोई topic आएगा, you have to write down all these points. You cannot skip them. ठीक है, we are utilizing initial 20-25 minutes to understand these things. You know why? Because once we start reading, हम भूल जाते हैं, है ना, सोसाइटी में क्या था भूल गए. बट हेयर यू कैन ट्राई टू एस्टैब्लिश कि देयर आर सर्टेन फंडामेंटल्स विच यू आर गोइंग टू रिमेंबर एंड देन यू आर गोइंग टू प्रोजेक्ट टूडेज मॉडर्न लाइफ ऑन द एंशियंट इंडिया. दिस इज हाउ वी स्टार्ट द लर्निंग प्रोसेस एंड वंस दिस स्टार्ट्स यू आर गोइंग टू गेट वेरी गुड मार्क्स बिकॉज इन सम ऑफ द क्वेश्चंस दे आर जस्ट लाइक दिस. दे आर ट्राई टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग. दे आर नॉट इवन आस्किंग एनी स्पेसिफिक हिस्टोरिकल डिटेल. नो, दे डू नॉट आस्क दैट इन ऑप्शन. ठीक है ना, उतना ज़्यादा फैक्चुअल याद करने की जरूरत नहीं पड़ता. बट इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द लॉजिक्स, यू डू नॉट अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स, देन इट बिकम्स टू राइट आंसर्स इन द लेटर स्टेज. सो वी आर ट्राइंग टू स्टार्ट दिस ऑन द राइट नोट फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ दैट ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज इंस्टीट्यूशन विच गवर्न मैन. ओके, विच गवर्न मैन. व्हेन वी टॉक अबाउट एनलाइटनमेंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री, if you do not understand these institutions, you will not be able to understand enlightenment. Okay, because the major focal point of enlightenment was all these institutions were made to serve men. But what happened specifically? These institutions start using men for different purposes. Like majority of the rulers during the ancient era, they were despotic. So there was no separation of power, है ना, judiciary, executive, ये सब अलग अलग नहीं थे ना. Only one person was holding all the power. Such person is known as despotic. So when we talk about the polity, we always try to establish what level of despotism was there in the specific dynasty. Okay, so this is how you have to learn the various processes. इसको एक जगह लिख लो, then we can start with the NCRT. These are the important things on which UPSC is going to ask the questions. And they can ask you to analyze society. When they ask you to analyze about society, question can even either be with respect to women, they can be with respect to caste system, it can be also with respect to the status of overall other classes, tribal, class, etc. So that you need to understand. This comes relatively less, not that much important for our optional. Okay. There can be only one broad question: how environment and geography has impacted the course of Indian history. That I am going to discuss. ठीक है ना? तो उसको याद कर लेना. Religion, yes, very important. At least in paper one, they ask certain question from religion. Even in paper two, when we start modern India, there are socio-religious reform movements. And that, if you do not understand religion, how can you write good answers? Okay, so try to understand the meaning of religion. What are the various ingredients which compose of religion. Then we have polity as an institution, what should be its features. Then economy, we'll discuss economy in detail later on. ठीक है, because previously UPSC used to ask question directly from polity and religion. This used to be the paper one setting, but now they are asking a lot of question from economy. So what all comes under economy? Taxation system, yes, agriculture, then trade. Trade and commerce, craft, revenue, ठीक है, all these things they come under economy, है ना, international trade, local trade, they can ask you various things. All right, technology relatively less question are being asked, but still they ask, है ना, कि what was the role of science and technology during the ancient India. They can either ask with respect to dynasty also, like in medieval India they ask a lot of question from technology. What kind of new textile technology came during Sultanate period? What was the role of Akbar in increasing the level of science and technology during the Mughals? So these questions, they come from directly from this theme. Then art and architecture, yes, few questions are going to come from here also. Art and architecture includes each and everything, theek hai na? It can be painting, it can be literature, etc. Okay, आपको रॉक कट केव्स आ सकता है. इट कैन बी टूम इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा. सो ऑल दीज थिंग्स दे कम अंडर द पार्ट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर. इज इट क्लियर?
So these are the themes on which UPSC is going to ask questions. So when we are going to read NCERT, first I am going to help you in mark which chapters are more important from optional point of view, which you can read specifically and revise even at the time of your exam. ठीक है, but major focus हमारा इसी चीज पर रहेगा, क्या क्या चीजें हैं उनको समझेंगे. So we have a lot of chapters, ठीक है, around 30-33. Significance of ancient Indian history. This chapter is important only from the point of view of understanding. की introduction की तरह आपसे बात कर रहे हैं. This can be important in essay kind of papers, ठीक है ना. When we talk about essay, you have to write 2 essays in your essay paper, है ना, in mains. So such kind of introduction can be good there. So this is not that much important from your optional point of view, but this is important from the basic point of view of UPSC preparation. They even ask such kind of questions in interview. What is the significance of ancient Indian history? They can ask, right? Such kind of question हम भूल जाते हैं, पूरी history पढ़ के last में हम ये भूल जाते हैं ये क्या है, ठीक है. So इस chapters को तब पढ़ना, कभी आपका interview call हो उस time पे आप पढ़ सकते हो, या फिर essay paper के लिए आपको if you want to have some ready-made introduction, so for that this chapter can be good, ठीक है, but not that much important for us. Second, modern historians of ancient India. This is important. Okay, this is important because history is nothing but the perspectives which are given to us by various historians. है ना, we know about their 4 categories of schools. We'll discuss it. अभी इसके बारे में discuss करेंगे. But you have to understand this, how history has evolved. History writing has evolved over the years from 18th century onwards when British started taking interest in India's history and till now, what changes can be seen in history writing. This is important from optional point of view. Third is also important because nature of sources and historical construction in India. There are a lot of debates which are related to this, so you should know a little bit about it. Okay, kis tarike ke sources hote hain. There can be archaeological sources, there can be literary sources, positive negatives of both the category of sources you should know. This is mentioned directly in the syllabus. This is important. Okay, now first let us understand the only important chapters. Fir uske baad baat karenge jo even Upinder Singh mein acche se nahi diya, but they are given in NCERT. Theek hai, second and third they are also given in Upinder Singh. So if you, when you are going to read Upinder Singh, if you read these chapters, it is going to be a lot easier to understand those chapters also. Fourth and fifth not that much important for you. ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इकोलॉजी इन्वायरमेंट के बारे में बात किया हुआ है. ठीक है, नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, यू कैन जस्ट रीड वंस कभी मन करे तो, बट एट द टाइम ऑफ रिविजन नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट. ठीक है, रोल ऑफ मॉनसून एक्सेट्रा, नॉर्दर्न बाउंड्रीज, नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस. चैप्टर नंबर 6 लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड, सब ये सब आप वैसे भी ज्योग्राफी में पढ़ोगे ही, है ना. व्हाट आर द लिंग्विस्टिक ग्रुप्स इन इंडिया, कौन सबसे ज़्यादा लैंग्वेज बोला जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो नॉट दैट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू. सो 4, 5, 6 नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट. ओके, देन कम्स 7th, ह्यूमन एवोल्यूशन द ओल्ड स्टोन एज. फ्रॉम हेयर UPSC आस्क अ लॉट ऑफ मैप क्वेश्चंस, है ना. मैप का क्वेश्चन आता है, we get 20 sites, so they ask a lot of questions from Paleolithic, Mesolithic, Neolithic, Calcolithic, all these areas. But as such direct question they ask very scarcely, kabhi kabhar ek bar ho gaya. So I would say isko padh lo, but for basic understanding. Isse zyada important is chapter number 8, because UPSC has asked some previous year questions from Neolithic age. Okay, they asked in 2016 specifically. Okay, then we have 9th, we have Calcolithic cultures. ठीक है, इसको पढ़ सकते हैं, this is important. Then we have 10th, 11, 12, 13. All these are important chapters. Okay, Harappan civilization and Vedic cultures. Okay, 14 is important, Jainism and Buddhism. Jainism and Buddhism, which is given in NCERT, is even better than Upinder Singh. So mark it down, chapter number 14. 14, 8,
दे आर गिवन वेरी वेल हेयर, ठीक है ना. इवन 15 एंड 16 यू कैन मार्क, 15 एंड 16 दे आर गिवन वेरी वेल इन एनसीईआरटी, इवन बेटर देन उपेंद्र सिंह इन मोस्ट एस्पेक्ट्स. ओके, सो 14, 15 एंड 16. 17 पढ़ सकते हो एक बार स्टेट स्ट्रक्चर. 18, 19 ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. 20 भी कर सकते हो, 21 भी कर सकते हो. 22 तक अब सारा ही करना है, इनफैक्ट 23 तक ठीक है. गुप्ता का भी कर सकते हो 24, 25 तक. 26 इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, स्प्रेड ऑफ सिविलाइजेशन इन ईस्टर्न इंडिया ठीक है. UPSC इज़ नॉट आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम हेयर. देन 27 एक बार हर्षा, दिस इज़ नॉट गिवन इन उपेंद्र सिंह, सो 27 को स्पेसिफिकली मार्क करो. दिस यू हैव टू रीड फ्रॉम NCERT. ओके, 28 नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट. 29 दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम ऑप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, चैप्टर नंबर 29 डेवलपमेंट्स इन फिलॉसफी. ओके, देन वी हैव चैप्टर नंबर 30th कल्चरल इंटरेक्शन विद एशियन कंट्रीज, नॉट आस्क्ड बाय UPSC, अपने ऑप्शनल मैसेज डायरेक्टली मैंशन भी नहीं है. 31 यू कैन रीड कि हाउ वी शिफ्टेड फ्रॉम एंशियंट टू medieval. This is important from the perspective of how all these institutions changed, political, economic, social, culture, jitne bhi apne institutions hain ye kaise change hote hain, theek hai. So here they have talked about sequence of social changes and last one is legacy in science and civilization, theek hai. But those chapters which are given even better than Upinder Singh, aise kuch hi chapters hain, theek hai. Isme aap mark kar lo 27. Then we have 21, Satvahanas. 20 you can mark Central Asian contact. 16 Iranian and Macedonian invasion. And 14 Jainism and Buddhism. ठीक है, and 8 Neolithic age. So these chapters are very important from the perspective when you combine R. S. Sharma with Upinder Singh. ठीक है ना. आर नोट्स दिल कवर ईच एंड एवरी थिंग, बट दोज हु वॉन्ट टू प्रिपेयर ऑन देयर ओन, ठीक है ना, जिनका वो मन करता है, तो फॉर देम आई एम टेलिंग यू स्पेसिफिकली दिस चैप्टर यू हैव टू फोकस. ठीक है, सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड वन चैप्टर आफ्टर द अदर, वट आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच आर गिवन इन दैट चैप्टर, दैट वी कैन स्टार्ट विद द डिस्कशन. हो गया मार्क, ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर. So, what is the significance of ancient Indian history? Batao. What is the significance? The foundation for all the changes. Uske baad. How development can come to be? Yes. We come to know about the evolution of human beings. Evolution of human beings. About the cultural interaction. यस, हर कोई बताएगा एक एक रीजन वाई एंशियंट इंडिया इज इम्पॉर्टेंट. क्लास में आया कुछ तो पूछा होगा, हाँ, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट. यही सारी चीज़ें जो हमने अभी तक डिस्कस करी हैं, हाउ आवर सोसाइटी हैज़ इवॉल्व, हाउ आवर कल्चर हैज़ डेवलप्ड, है ना. टुडे वी मेजरली स्पीक, अगर नॉर्थ इंडिया बेल्ट में हो, हिंदी और इंग्लिश में बात करते हैं मेजरली, ठीक है ना. हाउ हिंदी हैज़ बिकम सो मच ऑफ इम्पॉर्टेंट फॉर आर कल्चर, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई ड्यूरिंग द एंशियंट पीरियड हिंदी वॉज नॉट ए लैंग्वेज. At that point of time, initially we were having Sanskrit, Prakrit, ठीक है ना, Pali, these were the various languages which were famous. So when we read about ancient Indian history, we learn about our cultural diversity, we learn about the economic systems, we learn about the political institutions. Like whenever there is talk of republics, which country is famous for republics? Greece, है ना, Greece famous है. But even before Greece, we were having republics in India. In 6th century BC. Okay, so when we read ancient Indian history, one thing which is important, we learn about all the institution, all right, but we also get a sense of belongingness and pride in that. Hai na? Kisne likha tha? Who wrote India's history first? British. They took interest and they started writing Indian history. But when they were writing about Indian history, they started writing kuch bhi. Jo man mein aaya, लिखना शुरू कर दिया, जस्ट टू शैटर आर सेल्फ कॉन्फिडेंस. सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि हाउ वी वर, अ लॉट ऑफ पीपल हैव लेबर्ड ओवर द ईयर्स, है ना, पिछले पता नहीं 150-200 सालों से लोग लगे हुए हैं, दे आर ट्राइंग टू मेक अस अंडरस्टैंड अबाउट आर हिस्ट्री. सो दैट्स वाई वंस वी गेट टोटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री,
we become confident as a nation, we become more you can say resilient as a culture. Okay, so all these things, they come directly from our ancient India. Okay, so this is ye thoda wo na essay wale gyan hai, theek hai. UPSC will not ask you any such question in optional or in prelims or in mains, वहाँ से नहीं पूछा जाएगा. बट दिस चैप्टर इज मोस्टली फॉर इसी चीज़ों के लिए कि देर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, है ना. वाई यूनिटी इन डाइवर्सिटी? लाइक ऑल द रीजनल लैंग्वेजेस, दे हैव कम वन और फ्रॉम वन और द अदर लैंग्वेज, ठीक है, चाहे वो संस्कृत से आए चाहे वो प्राकृत से आया है. दैट्स वाई देर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है ना. इफ यू टॉक अबाउट आर फेस्टिवल्स, है ना, वी हैव हार्वेस्टिंग फेस्टिवल ऑल ओवर इंडिया, है ना, अलग अलग नाम से बोलते हैं उसको बस, है ना. कहीं मकर संक्रांति है, कहीं पे बैसाखी है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है. ऑलराइट, सो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट ऑल दीज कल्चरल सिमिलैरिटी आर बिकॉज वी आर एन एग्रेरियन कम्युनिटी फ्रॉम द बिगिनिंग. दैट्स वाई कल्चरली काफ़ी सिमिलर हैं. सो फ्रॉम दिस वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द यूनिटी इन आर डाइवर्सिटी. अदरवाइज डाइवर्सिटी कैन बी अ मेजर रीजन फॉर ब्रेकिंग अप ऑफ नेशंस. दिस वी हैव सीन इन यूरोप, दिस वी हैव सीन इन मैनी अदर parts of the world, but India, in spite of so many different types of people, we have stayed united. Why? Because somehow we try to understand there is unity in diversity. Okay. तो यही सारी चीजें इसमें कहानियां सुनाई हुई हैं आपको. Okay. उसको एक बार पढ़ लेना. Not that much important from your optional point of view. मतलब general studies में नहीं आएगा, but essay में कभी कभार you can use such lines. They are impactful. है ना, कितने ओरिजिनल आइडियाज लेके आ जाओगे ऐसे में, कहीं ना कहीं से तो सीखोगे ना, एंड यू आर गोइंग टू समराइज देम. तो वो सारी चीजें यहाँ पे अच्छी लिखी होती हैं. दैट्स व्हाई व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ पास्ट टू द प्रेजेंट. लुक, वी हैव मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, वी हैव डन अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन द पास्ट. द कास्ट सिस्टम, इट हैज अफेक्टेड द आइडेंटिटी ऑफ एससीज एंड एसटीज, ठीक है ना. सो लॉट ऑफ सोशल इनजस्टिस हैज बीन डन. दैट्स वाई आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब हमारा पूरा ढंग से समझ में आया कि वट इज हैपनिंग इन आर सोसाइटी, वी केम अप विद अ सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन, है ना. सो वंस वी अंडरस्टैंड आवर पास्ट, हाउ आवर सोसाइटी हैज वर्कड, वी कैन डू टेक अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव टू करेक्ट द कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है. इज इट इंपॉर्टेंट, है ना. Otherwise, it will become very difficult for a nation to sustain. If there is no justice in the society, it will be very difficult to sustain such a society. Okay, so when we learn these things from there. Second, whenever we see any problem, we try to understand the historical context. Ki ye start hi kyun hua hai? Hamesha hum ye sochte hai na? Whenever you read any newspaper, they give you a historical perspective. Ki bhai, if Naxalism started in India, what were the reasons behind it? है ना, देर आर सम ट्रिगर्स बिकॉज ऑफ विच समथिंग स्टार्ट्स. सो दैट्स वाई फॉर ईच एंड एवरीथिंग हिस्ट्री रिमेन्स इम्पॉर्टेंट. कि वाई कास्ट सिस्टम इवॉल्व इन ए स्पेसिफिक मैनर इन इंडिया, वाई टेक्नोलॉजिकली वी आर बैकवर्ड राइट नाउ, वट हैपन्ड आफ्टर एंशंट इंडिया, कि भाई टेक्नोलॉजिकली हमने ध्यान देना बंद कर दिया. ऑल दीज थिंग्स वी ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द पास्ट. एंड वेन वी अंडरस्टैंड आर पास्ट, वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, वी कैन अवॉइड सर्टन मिस्टेक्स, ठीक है ना. ये तो पर्सनल लाइफ में भी होता है ना. वेन वी नो कि भाई ये चीज़ से पिछली बार फेल हो गए थे तो इस बार नहीं करना है ना. हो चुका है ना सबके साथ ये. सो दैट्स वाई जस्ट लाइक अ कॉमन पर्सन हु ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर पास्ट, है ना, टू इंश्योर द कि प्रेजेंट जो है वो अच्छा होना चाहिए. सिमिलर वे में फॉर अ नेशन एज अ होल, फॉर इंडिया एज अ होल, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड आर हिस्ट्री सो दैट we can become a powerful nation and we can avoid the mistakes that we have done. ठीक है ना. Humans, why humans sustain as a race, as a species, हम क्यों sustain करते हैं? Because we adapt. ये adaptation की जो हमारी वो है ना, हाँ, ability that is very strong, है ना. Antarctica में जाके experiment कर रहे time pass के लिए. Because we know how to adapt. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, वी आर एबल टू कम्युनिकेट वेरी वेल. हम बुक लिखना जानते हैं. सपोज यू डू नॉट नो एनी थिंग अबाउट अब्राहम लिंकन, यू रीड हिज बुक, ऐसा लगता है ना कि हाँ, वी कैन इमेजिन दैट पर्सनस लाइफ कैन बी सीन इन फ्रंट ऑफ अस. दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस. जो हमें कम्युनिकेशन करने की एबिलिटी मिली है, दैट इज नॉट देयर विद एनी अदर स्पीसीज. सो दैट्स वाई वी रीड दिस, सो दैट वी कैन ग्रो फॉरवर्ड, ठीक है.
ऑल दिस थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस चैप्टर. एनीवे, पहले वाला में अगर कहानी है तो सेकंड वाला इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज टेक्निकल इन नेचर. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस. There is one specific issue with India's ancient history. Our history is not well documented. What is the meaning of not well documented? किसी ने अच्छे से maintain नहीं करी है. ठीक है ना, जैसे अगर हमें कुछ पता करना पड़ता है अपने गाँव के बारे में तो गाँव जाना पड़ता है. ठीक है, that is not documented very well. Okay. Similarly, suppose there was Vedic period, but no one has written in detail about Vedic period. We just have Rig Vedas. कि भाई इन वेदा में जो जो है, on the basis of that we have to understand the history of Vedic period. But nobody has reviewed it. ठीक है, there are two kinds of society in the world. Why is there so much of chaos in India? China में क्यों नहीं होता वो? We are a lineage based society. मम्मी पापा हर किसी की चलती है. किसी का कुछ काम रुक जाता तो फिर चाचा को फोन करवा देते हैं. So we are a lineage based society. But China is a state based society. ठीक है, why state based society? Everything is dictated from the state, from the ancient times. And since we are a lineage based society, our records are not that much good. But if we see the example of China, their history is very well written and in a chronological manner. Okay, but लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, पुराण के अंदर से जो समझ सकते हो समझ लो. ठीक है, यही हमारी history. That's how it is. We'll डिस्कस इन टेक्निकल टर्म्स ऑल्सो. अभी तो मैं समझते हुए बता रहा हूँ आप लोगों को. ठीक है, सो सच काइंड ऑफ लीनियज बेस्ड सोसाइटी हैज एम्बेडेड हिस्ट्री. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्बेडेड हिस्ट्री? आपको खोद के निकालना पड़ेगा उसको. इट विल बी नॉट गिवन ऑन द सरफेस. उसको बहुत सोचना समझना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड द हिस्ट्री. बट हेयर वी हैव एक्सटर्नलाइज हिस्ट्री. इसको याद रखना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. वेन एवर यूपीएससी आस्क अ क्वेश्चन ऑन इंडियाज हिस्टोरिकल ट्रेडिशन, यू हैव टू यूज सच वर्ड्स. दीज आर नॉट गिवन डायरेक्टली इन द एनसीईआरटी. आई एम जस्ट एक्सटेंडिंग द कंसेप्ट. एक बार ये समझ जाओगे देन यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड द चैप्टर. ओके, सो स्टेट बेस्ड सोसाइटी जो होती है, दे कैन ईजिली मेंटेन रिकॉर्ड. गवर्नमेंट सब कुछ ध्यान में रखता है ना, आधार के बेसिस पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ले ली. ठीक है, बट क्या आप अपने पूरी फैमिली का रिकॉर्ड रखते हो? नो. सो दैट्स व्हाई वेन एवर वी हैव स्टेट बेस्ड सोसाइटी लाइक वी हैव चाइना, वी हैव एक्सटर्नलाइज हिस्ट्री. एंड इंडिया वी हैव लीनियज बेस्ड सोसाइटी, सो वी हैव एम्बेडेड हिस्ट्री. सिंस इट इज एम्बेडेड इन नेचर, द वर्क ऑफ हिस्टोरियन इंक्रीजेज, द नंबर ऑफ इंटरप्रिटेशन increases. Okay, and since we were having such fragmented history, so whenever you rule any country, first of all you have to shatter their history. British won which battle in 1757? Battle of Plassey. And then they won Buxar. Then they started saying, "Bhai, there is an opportunity to rule India." But without understanding people, can you rule any country? You cannot rule. And for that, you have to understand their history. So what they did,
उन्होंने हिस्ट्री पढ़ने की कोशिश करी, कुछ समझ नहीं आया कि हाउ टू अंडरस्टैंड अबाउट इंडियंस. सो व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग, दे स्टार्टेड मेकिंग देयर ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री एंड देयर ओनली एम वाज टू शैटर इंडियाज प्राइड. ओके, सो द फर्स्ट स्कूल, सो बिकॉज ऑफ दिस व्हेन यू हैव टू इंटरप्रेट हिस्ट्री सो मेनी टाइम्स अ नंबर ऑफ स्कूल्स ओरिजिनेटेड एंड द फर्स्ट स्कूल इज नोन एज कॉलोनियल स्कूल. Okay, so what was the role of this colonial school? They started the process of history writing. उन्होंने कुछ भी करके एक कंपाइलेशन करके दे दिया. But the problem with them was whichever period they wanted to shatter as together, they came with the concept of dark age. कि इस एज में तो कोई प्रोग्रेस ही नहीं हुआ है. सो दे लिंक दिस कंसेप्ट ऑफ डार्क एज टू मैनी पीरियड्स, ठीक है ना, लाइक पोस्ट मोरियन पीरियड, ओके, अर्ली मिडिएवल पीरियड. दे ऑल्सो लिंक इट टू 18th सेंचुरी. वाई 18th सेंचुरी? यस, दिस सेट मुगल्स वगैरह डिक्लाइन कर चुके, 18th सेंचुरी इज अ डार्क एज, सो यू रिक्वायर्ड वाइट मैन. And from here we see the beginning of myth of white man's burden. कि हमारे ऊपर तो भगवान ने आशीर्वाद दिया कि भाई जाके बचाओ इन लोगों को, ठीक है. This is the kind of justification they used to come up with. So the first school which came in India was colonial school, who started writing down India's history, but it was very fragmented. It was created to satisfy the aim of British in India. They were not following कि भाई वो कुछ जाके ज़्यादा रिसर्च नहीं कर रहे थे. वट एवर दे फाउंड, बस अपने तरीके से उसको इंटरप्रेट कर दिया. एंड ओनली एम वॉज टू जस्टिफाई दी कॉलोनियल रूल, कि जो भी इंडिया में रूल कर रहे हैं, इंडियंस रिक्वायर्ड आउटसाइड पावर. सो दैट्स वाई दिस कॉलोनियल स्कूल, इट ग्लैमराइज और पॉपुलराइज इन्वेजन्स. वाई इन्वेजन्स? बिकॉज दे वॉन्टेड टू मेक श्योर कि इंडियंस के बस की है ही नहीं सेल्फ रूल, दे डू नॉट हैव द सफिशियंसी, ठीक है ना, कि सेल्फ सफिशियंट नहीं है यहाँ के लोग. दैट्स वाई अ लॉट ऑफ इन्वेजन्स हैव हैपन्ड. इन्वेजन्स वर डन बाय इरानियंस, अलेक्जेंडर, ठीक है ना, दे आर ऑल्सो डन बाय इंडो ग्रीक, शाकास, कुशानास, हुनास, है ना, लॉट ऑफ इन्वेजन्स हैव हैपन्ड इन इंडियन हिस्ट्री. दे स्टार्टेड पॉपुलराइजिंग दोज इन्वेजन्स. Why invasions? Because they themselves were also invaders. Okay, so in 18th century they were invading. So उससे पहले जितना सबको popularize कर दिया. So this was the method of their history writing. And in this, to divide history, you require certain parameters. है ना? Today we say ancient, medieval, and modern. But this is not how they divided India's history. So, in order to periodize, they use religions. So they said, ancient India क्या बोला? Hindu period, है ना? Medieval को क्या बोला? Muslim period. और अपना modern को क्या बोला? British. Christian नहीं बोला. You know why? Christianity was all over the world, but they wanted to establish their own rule. इसलिए उसको क्रिटिसाइज किया था, भाई अगर रिलीजन ही करना है तो इट शुड बी हिंदू, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन. बट नो, क्रिश्चियन में तो फिर बाकी लोगों को क्रेडिट मिल जाएगा, इट इज ब्रिटिश. ओके, सो दे यूज दिस रिलीजियस डिमार्केशन फॉर पीरियडाइजिंग इंडियन हिस्ट्री, ठीक है. दिस वॉज द फर्स्ट स्कूल. आफ्टर दिस केम नेशनलिस्ट स्कूल. Educated Indian people, they started seeing that colonial school is writing a form of history which is not on the basis of any research. Okay, so to counter the colonial school, they started popularizing certain periods. Like we heard about
कि वैदिक पीरियड वाज ए गोल्डन एज. सिमिलरली वी हैव गुप्ता पीरियड. ठीक है, सो लॉट ऑफ पीरियड्स वर मेड एज गोल्डन पीरियड्स, गोल्डन एज, विदाउट एनी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग. सो इन अ वे कॉलोनियल स्कूल वॉज क्रिटिसाइजिंग इंडिया एंड नेशनलिस्टिक स्कूल वॉज मोर ऑफ पॉपुलराइजिंग सर्टन पीरियड. वाई? टू इंश्योर भाई इंडियाज प्राइड इज नॉट शैटर्ड बाई दीज पीपल. सो दैट्स वाई दिस सेकेंड स्कूल केम. बट विद द पीरियड ऑफ टाइम सम अदर स्कूल्स केम, लाइक कॉलोनियल स्कूल एंड नेशनलिस्टिक स्कूल. देयर मेजर फोकस वॉज ओनली ऑन पॉलिटिकल हिस्ट्री. They were not concerned about social history, they were not concerned about economic history, they were not concerned that much about even about the technological history. We in the beginning itself we learned there are a lot of themes which affect man and the historical processes. So that's why from here we see the beginning of Marxist school. Okay, and this Marxist school made a lot of focus on economic history. But the problem with Marxist philosophy is they interpreted each and everything from economic point of view. So what they would say, they give more preference to class rather than caste. And this is not possible in Indian context. As we, all of us know ki bhai caste is the major driven factor in India rather than class. So that's why even Marxists started getting criticized. Okay. And the last school we have is subaltern, a school which was started by Ranajit Guha, ठीक है ना, and its main focus has been on understanding the historical role played by people who have been neglected in the history writing process. This history writing process is known as historiography. The subaltern schools focused upon peasants, tribals, role played by women. So all the people, all the actors who were not given space by the previous schools, they had been taken care by subaltern school. Is it clear? So we have four schools which are affecting the historiography writing in India. But right now there are certain books which are coming up, like if you see Upinder Singh is not going to give you only one perspective, they give you all the perspectives, hai na, usme likha hota na Marxist school ye bol raha hai aur subaltern school is criticizing it and nationalist school ka ye perspective hai. So this kind of history writing is known as multidisciplinary approach. Okay, similar kind of book you see Shekhar Bandyopadhyay. Shekhar Bandyopadhyay provides a lot of historical perspective on one single event, and they provide perspective of all the schools. Okay, so today we focus more on multidisciplinary perspectives or school. ठीक है, उसको कभी school भी बोलते हैं, कभी perspective भी बोलते हैं. But is it clear? The second chapter focuses only on these things. Then you also talk about what were the positives, negatives of each and every school. So what are the positives of colonial school? First, पहली बार इन्होंने record करना शुरू किया. Second, what can be the positive? Translation was done by them. Lot of translation were done. But then we have all the negatives, है ना? They polarized Indian history, ठीक है ना? It was only focusing upon political history. They used religion to divide the various periods. So all these are negatives of colonial school. When we come to nationalistic school, they tried to restore India's pride. They did a lot of research on political history, which was not done by colonial school, but they also had a lot of limitations. They were criticizing, they started popularizing without any critical understanding. ठीक है ना? But their main positive was they were able to counter the propaganda of the colonial school. And we see Marxist focus upon the economic aspect, which was not taken care by anyone before. But their negative was they put too much emphasis on economic determinism, meaning each and everything is influenced by economics rather than other institutions. So that's why this is the limitation of Marxist. Last we have
subaltern. Subaltern focuses a lot upon the people who were part of history but are not represented in the historical process. Is it clear? So these are the various schools which can be asked by UPSC. UPSC has asked previous year question in 2017 when they asked about the various approaches to understanding Indian history. So these are the approaches. Is it clear? This is all given in this second chapter. ठीक है, समझ में आया? Okay. Now, one thing is, when we try to understand history, history अपने आप तो आके हमें बताती नहीं है भाई. History can only be understood through certain sources. Is it clear? It can be understood only through certain sources. These sources can be literary, they can be archaeological. Okay, so when we talk about literary sources, they can be religious and they can be secular. This literary can either be indigenous, means they are written by an Indian person, or they can even be written by a foreign traveler. We also call them foreign accounts. Okay. When we talk about archaeological sources, there is a long list. It can be inscriptions, can be coins, monuments, है ना, buildings etc. which were left made by people. It can be certain crafts which left behind. So that's why इसको combine करके हम एक साथ ही बोल देते हैं material remains. And UPSC asks a lot of question specifically on inscription and coinage. Rest तो फिर human remains आता है. Human remains में each and everything that is left, ठीक है ना, including even human skeletons. We try to learn a lot about how humans have progressed through skeletons, है ना, कि Paleolithic में what kind of person was there, Mesolithic में क्या changes हुआ, Neolithic में क्या changes हुआ, ठीक है, even technology etc. we come to know through tools that we found. Okay, so all this come under archaeology. Now we need to understand for which period, which of them is more suitable. So if we talk about when did we have the script, which period? Around 600, which got deciphered. Before that we were not having any script, which has been deciphered. Okay. So there are 2-3 words. We'll come back to the last one. We need to understand prehistory, proto-history, and historical period. Prehistory has very easy meaning. It means we do not have any written records, है ना? So each and everything that we know about prehistory, it is through archaeological sources. Is it clear? When we talk about proto-history, so proto-history, there is some written text, but it is not deciphered. So undeciphered. So largely we have to depend again on archaeological sources. Here we have script and we have literary records. Okay, now you need to understand 2-3 more things. They can be asked even in the interview, even in prelims, they can be asked anywhere. Prehistory ka jo specific phase hai, this is till which period? Neolithic tak to pura hi hai. ठीक है ना,
start from Paleolithic, Mesolithic, Neolithic, then we have Harappan civilization, then we have Chalcolithic. Even in Chalcolithic, we have some proto-history also. ठीक है, but largely Neolithic plus Chalcolithic को कहीं मानते हैं prehistory. ठीक है, in proto-history we have Harappan civilization or Indus Valley civilization. Some historian even consider Vedic period as a part of proto-history because during Vedic period, yes, there was language, but it was not written. Script came to us during and Vedic period ka kaun sa time hai? Is it clear? So they were speaking some language, but it was not in the written form. So Vedas, they were there, but they were written during the later phase. So due to this one specific reason, even at times Vedic is considered as a part of proto-history. ठीक है, and last we have the historical period. So when we talk about historical period is not uniform in whole of India. Why not uniform in whole of India? गवर्नमेंट कोई स्कीम स्टार्ट करती है, सारी स्टेट्स में एक साथ आ जाती है क्या? है ना, कहीं पे पहले आती है, कहीं पे बाद में आती है, फिर ऑल इंडिया होता है. बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी और बिकॉज ऑफ, ठीक है, सो जो स्क्रिप्ट है विच केम इन 600 BC, दिस केम स्पेसिफिकली इन नॉर्दर्न इंडिया. ठीक है ना, यहाँ पे 600 के हाथ में 500 भी लिख लो, किसी बुक में कुछ लिखा होगा, वी डू नॉट नो एग्जैक्टली सर्टेन. वो कार्बन डेटिंग में करते हैं तो इतना तो उसमें आगे पीछे रहता ही है. ठीक है ना, एरर्स का स्कोप. बट वेन वी टॉक अबाउट साउथ इंडिया, द टाइम पीरियड इज अराउंड 300 BC. ठीक है ना, सो हिस्टोरिकल पीरियड इज नॉट यूनिफॉर्म इन होल ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट. इट इज डिफरेंट फॉर नॉर्दर्न इंडिया एंड डिफरेंट फॉर सदर्न इंडिया. इज इट क्लियर? दीज थ्री टर्म्स आर क्लियर, प्री, प्रोटो एंड हिस्टोरिकल पीरियड. ठीक है, जो हमने लार्जली डिस्कस किया है, इट इज़ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्ट्री. व्हेन वी टॉक अबाउट आर्कियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट, वहाँ पे इसका कुछ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन हो सकता है. व्हाट दीज आर्कियोलॉजिस्ट डू, दे इवन कंसिडर नियोलिथिक एंड कैलकोलिथिक विद इन प्रोटो हिस्ट्री. सो यू कैन राइट इट डाउन समवेयर, UPSC आस्क दिस क्वेश्चन वंस इन 2017. ठीक है ना, कि भाई प्रोटो हिस्ट्री जो है वो स्टार्ट हो गई थी फ्रॉम नियोलिथिक एंड कैलकोलिथिक, बट इट इज़ मोर बिकॉज ऑफ द आर्कोलॉजिकल डेफिनेशन रैदर देन हिस्टोरिकल डेफिनेशन. तो वो डिफरेंसेस चलते रहते हैं. दोज पीपल हु आर फ्रॉम टू डिफरेंट सब्जेक्ट, हमेशा लड़ाई होगी, है ना, कि आर्ट अच्छा है कि कॉमर्स अच्छा है, कॉमर्स अच्छा है कि साइंस अच्छा है. ये तो चलती रहेगी लड़ाई जिंदगी भर. सो दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशंस. ठीक है, इज इट क्लियर? रिमेंबर दिस. सो लेट्स कम बैक टू आर मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सोर्सेज. सो सोर्सेज में वी हैव लिटरेरी सोर्सेज एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. ईच एंड एवरीथिंग दैट वी नो इन आर हिस्ट्री इज ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सोर्स. किसी ने तो बताया होगा ना, किसी ने कुछ लिखा होगा, और वी हैव फाउंड समथिंग ऑन द बेसिस ऑफ विच वी आर इंटरप्रेटिंग समथिंग. ऑलराइट, सो होल हिस्ट्री डिपेंड अपॉन सोर्सेज. UPSC आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम सोर्सेज. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ बोथ. ठीक है, सो वट आर द पॉजिटिव्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड वट आर द पॉजिटिव्स ऑफ लिटरेरी सोर्सेज? यस, मोर एक्यूरेट. सपोज इफ वी फाइंड एन आयरन पिलर, वी कैन ईजली से कि आयरन की क्वालिटी कैसी थी, लेकिन लिटरेरी में तो लिखेगा सबसे अच्छा आयरन हमारे पास था. So can you find some specific example? So that is there. Material remains can be easily identified. We can learn about the technology in a better manner through archaeological sources. ठीक है. Then there are certain technical terms, interpolation and extrapolation. So if you see any Ashokan pillar, उसके ऊपर एक writing use किया हुआ है. If somebody is going to come, उसमें कुछ add करेगा, it can be easily identified, but that is difficult in literary sources, right? So if we take an example of Rig Veda,
So we have how many books in Rig Veda? We have 10 books. Okay, 2 to 7 they are the oldest, but they added some more books. So this problem of interpolation is not there in archaeological sources. नहीं तो आके सब चेंज कर देंगे, है ना, एक पन्ना अलग रखे गए और आप अलग हिस्ट्री पढ़ने लग गए बैठ के. दैट इज द डिफिकल्टी वी हैव विद लिटरेरी सोर्सेज, बट दैट इज नॉट देयर विद आर्कोलॉजिकल सोर्सेज. ओके, देन अनदर इम्पॉर्टेंट पावर ऑफ आर्कोलॉजी इज 99% ऑफ आर हिस्ट्री, बिकॉज पैलोलिथिक पीरियड इट स्टार्ट फ्रॉम अराउंड 2 million ईयर्स अगो एंड टिल फ्रॉम 2 million ईयर्स अगो टिल विच टाइम पीरियड, एटलीस्ट हरप्पा के आसपास तक तो हमें यहीं से पता चलता है. ठीक है, दिस पीरियड इज ओनली थ्रू आर्कियोलॉजी, दिस कैन नॉट बी नोन थ्रू लिटरेरी सोर्सेज. इज इट क्लियर? सो दीज आर द वेरियस पॉजिटिव्स ऑफ आर्कियोलॉजी. व्हाट पॉजिटिव्स डू वी फाइंड ऑफ लिटरेरी सोर्सेज? कुछ तो पॉजिटिव होगा लिटरेरी का. They help in creating more holistic picture. When somebody writes a chapter, they can provide you more interconnectedness detail rather than archaeology. This you have to imagine. This is something you just have to read. तो वो easy हो जाता है to understand through literary sources. Then, when we read about archaeology, तो उस समय पता चल जाता है. Suppose कि yes, कि if Harappan downfall was there, we are able to understand हुआ है. लेकिन उस story को interconnect करने में there is lot of difficulty in archaeology, which can be understood through literary sources. So from Vedic period onwards, we have more or less connected history. Before that, it is relatively difficult because we only have archaeological sources. ठीक है? Then there is one more concept of primary source and secondary source. What is the meaning of primary source? Means डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, यू आर कॉन्टेम्प्ररी. सपोज मेरे बारे में आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कहीं बाहर जाकर, दिस इज अ प्राइमरी सोर्स. आपका कोई दोस्त है वो किसी और को इन्फॉर्मेशन दे रहा है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू आर सेइंग, दैट इज अ सेकेंडरी सोर्स. ठीक है, सो दिस कैन बी द डिफरेंशिएशन बिटवीन दीज टू. मोस्टली जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते दे आर प्राइमरी सोर्सेज, बट इन सम केसेज दे कैन इवन बी सेकेंडरी सोर्स. लाइक वी हैव इंस्क्रिप्शन जूनागढ़ वाला, है ना, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन इज ऑफ रुद्रदमन, बट इट ऑल्सो प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट मौर्य. तो वो अपने पीरियड से किसी और पीरियड के बारे में बताएं, सो इट बिकम्स सेकेंडरी. ठीक है ना, लिटरेरी सोर्सेज में दे कैन बी प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी सोर्सेज. लाइक कौतिला अर्थशास्त्र इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ मौर्यन पीरियड, बट अगर वो कुछ और इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करो तो इट कैन बी अ सेकेंडरी सोर्स फॉर दैट स्पेसिफिक पीरियड, बट प्राइमरी फॉर मौर्यन. दिस कंसेप्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड. ठीक है, सोर्सेज समझ में आए? Overall, we have two sources, ठीक है? We have certain differences in on the basis of sources, कि prehistory, proto-history और historical period क्या होता है? Yes. Please repeat, sir, interpolation and extrapolation again. कुछ नहीं, कुछ लाके add कर दिया, पता ही नहीं चला. आपने एक history लिखी, ठीक है, बीच में एक पन्ना खाली था, कोई लिख के चला गया same handwriting में, तो वो history का part बन गया ना, तो उसको बोलते हैं कि extrapolation, कुछ add कर दिया उसके अंदर. इंटरपोलेशन के आसपास वही सेम चीज़ होती है. ठीक है, कहीं पे कुछ ऐड कर दिया, कहीं पे कुछ फाड़ दिया, है ना. मूवीज़ में नहीं देखा कि एक बुक के अंदर से एक पेज निकाल लिया, अब आपका पूरा इंटरप्रिटेशन तो ख़त्म हो गया ना. सपोज एक हिस्ट्री का बुक है, लास्ट पेज पे कंक्लूजन था, वो निकाल के कोई ले गया, आपने पढ़ा लास्ट तक, अब क्या करोगे? सो दीज काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम वी फेस इन लिटरेरी सोर्सेज, इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन. एक में कुछ ऐड कर दिया, एक में कुछ ऑमिट कर दिया, दैट्स इट. टेक्निकल वर्ड्स अगर नहीं समझ में आए तो ये समझो. फिर जियोग्राफिकल सेटिंग, इकोलॉजी, लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड, ये सब दीज आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट. उसको एक बार रीड कर लेना, ये वैसे भी आप जियोग्राफी वगैरह में पढ़ोगे. नाउ वी कम टू द ह्यूमन एवोल्यूशन. ठीक है ना, कि हाउ वी हैव इवॉल्व ओवर द ईयर्स. ठीक है, सो बिग बैंग का इवेंट कब हुआ था? 1 million, billion, billion. सब अलग अलग चल रहे हैं और ऐसी आवाज में बोल रहे हैं कि समझ ना आए आगे तक. 13.7 billion years ago के आसपास हुआ था. अर्थ बना था अराउंड 4.66 billion years ago. लाइफ कब स्टार्ट हुई उसके बाद में. ठीक है, तो इस तरीके से उस चीज को समझो. बट एनीवे, वो
साइंस में पढ़ लेना, नॉट दैट वाज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू. व्हाट इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू कि हाउ पैलोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक ये डिफरेंट एजेस आर डिफरेंट. ठीक है, सो लेट अस डिस्कस अबाउट दैट. सो व्हेन वी टॉक अबाउट स्टोन एज, स्टोन एज का मीनिंग क्या है? स्टोन वॉज द चीफ टूल. ठीक है ना, स्टोन वॉज द चीफ टूल विच वॉज यूज फॉर मेकिंग वेरियस टेक्नोलॉजीज. सो वी हैव पैलियोलिथिक, इन बिटवीन वी हैव मेसोलिथिक, लास्ट वी हैव न्यूलिथिक. दीज आर द थ्री एजेस विच यू नीड टू अंडरस्टैंड. ठीक है, इसके बाद में वी कैन ऑल्सो एड कैल्कोलिथिक, बट हियर वन मोर टूल नोन एज कॉपर. देयर वाज स्टार्ट ऑफ कॉपर. ठीक है ना, तो यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स कि विच मेटल वॉज यूज फर्स्ट, कॉपर और आयरन? इट वॉज कॉपर. आयरन वॉज यूज ड्यूरिंग विच पीरियड? अराउंड 1100. ठीक है ना, सो दैट कोइंसाइड्स विद लेटर वैदिक पीरियड. ठीक है ना, लेटर वैदिक पीरियड के आसपास आयरन का यूसेज शुरू हो गया था. इट वॉज फाउंड फ्रॉम 1100 BC के आसपास, वी हैव एविडेंसेज. बट नॉर्मल यूसेज की मेटल एक तो होता है कि इट इज़ फाउंड आउट एंड फाइनली इट इज गेटिंग प्रैक्टिकली यूज, सो दैट वी सी ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड. ठीक है, बट इन साउथ इंडिया इट वॉज यूज ड्यूरिंग विच पीरियड? मेगालिथिक. ठीक है ना, मेगालिथिक से स्टार्ट हो गया था. दैट यू हैव टू रिमेंबर. फर्स्ट मेटल विच वॉज यूज वॉज कॉपर. ठीक है ना, तो दिस वॉज यूज बाय कैल्कोलिथिक. अलॉन्ग विद दिस वी हैव इंडस वैली सिविलाइजेशन विच यूज ब्रॉन्ज. ठीक है ना, सो नाउ लेट अस डिस्कस द फर्स्ट थ्री, पैलोलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक. देर आर सर्टन डिफरेंसेज इन दीज थ्री, वाई दे आर डिवाइडेड. पैलियोलिथिक पीरियड इज हैविंग द मैक्सिमम टाइम पीरियड. From around 2 million years ago till 10,000 BC के आसपास तक. So that's why we divide it further into three part. We have early Paleolithic period, ठीक है, then we have middle, early के साथ में इसको lower भी बोलते हैं, last we have upper. ठीक है ना, ये लोअर और अपर में कन्फ्यूजन रहता है कि लोअर पहले आएगा कि अपर बाद में रहेगा. तो लोअर जो है वो फर्स्ट है, इट इज़ द ओल्डेस्ट वन, एंड अपर जो है हमारे सबसे पास में है, इज द क्लोजेस्ट वन. इस तरीके से कुछ याद कर लेना. ठीक है, नहीं तो लास्ट में वो प्रिलिम्स में यू विल गेट कन्फ्यूज, इसी के बीच में कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं. एनी वे, नाउ इट इज़ डिवाइडेड इंटू थ्री पीरियड्स. किस बेसिस पर डिविजन करते हैं? टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी. ठीक है, टेक्नोलॉजी वही है, स्टोन टेक्नोलॉजी है. ठीक है, हमारे पास एक ही मटेरियल है, वी हैव. ठीक है, तो व्हाट वाज यूज्ड ड्यूरिंग लोअर पैलियोलिथिक? दे आर स्पेसिफिक नेम्स, स्टोन तो है ही. पेबल्स ऐसा सच वो नहीं बोल सकते ना, पेबल्स. Core technology, here we had flake, here we had blade. ठीक है ना, कोर कुछ नहीं होता, इफ यू सी अ बिग पीस ऑफ स्टोन उसको क्या बोलते हैं? कोर टेक्नोलॉजी. इफ इट इज ब्रेकन इंटू टू पार्ट्स, ठीक है, तो जो स्मॉलर पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? फ्लेक. एंड इफ दैट फ्लेक इज शार्पन्ड फ्रॉम बोथ साइड्स, इट बिकम्स अ ब्लेड. नॉर्मल ब्लेड आपने देखा ना, इट इज शार्पन फ्रॉम बोथ साइड, फ्लेक इज शार्पन फ्रॉम वन साइड, और कोर जो है पूरा हिस्से को बोलते हैं.
ठीक है. सो दीज वर द थ्री टेक्नोलॉजीज ऑन द बेसिस ऑफ विच वी हैव डिवाइडेड पैलियोलिथिक पीरियड. सो कोर, फ्लेक एंड ब्लेड, दिस इज हाउ वी डिवाइड देम. ठीक है. सेकेंड इज ऑन द बेसिस ऑफ वट वर द हैबिटेशनल डिफरेंसेस. ठीक है ना. मेजोरिटी ऑफ दीज पैलियोलिथिक पीपल दे लिव्ड वेरी क्लोज टू केव्स. व्हाई केव्स? केव्स के आसपास में यू कैन इजिली गेट एक्सेस टू स्टोन, स्टोन शेल्टर एज वेल एज दे वर नॉट अडेप्ट विद रिस्पेक्ट टू लिविंग इन द गंगेटिक और वैली एरियाज बिकॉज दे वर वेरी ओपन एंड डिफिकल्ट टू डिफेंड देयर लाइव्स. ठीक है ना. सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन्स दिस यूज टू स्टे वेरी क्लोज टू केव्स. तो हमने टेक्नोलॉजी समझ लिया, हमने ये भी समझ लिया कि भाई विच वर द एरियाज वेयर दे वर रिजाइडिंग. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ आर्ट दे वर प्रैक्टिसिंग. कौन सा आर्ट प्रैक्टिस कर रहे थे? ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट इज पेंटिंग एंड वी हैव अ लॉट ऑफ साइट्स. मोस्ट फेमस वन इज भीमबेटका, है ना. वेरी क्लोज बाय इज आदमगढ़. ठीक है. सो देयर आर अ लॉट ऑफ केव्स विच आर फेमस एंड दीज काइंड ऑफ पेंटिंग्स आर नोन एज रॉक पेंटिंग. दे वर नथिंग बट एनग्रेविंग्स. रॉक के ऊपर एक सरफेस से उन्होंने पेंट करना शुरू कर दिया और शेप्स बनाई. And what used to be their themes? है ना, hunting and food gathering. सबसे ज़्यादा famous यही themes है. All right. Then we also need to understand what kind of society they were living in. How many of you have visited Andaman and Nicobar? कोई भी नहीं गया, सब wait कर रहे हैं भारत दर्शन का. सो इफ़ यू गो टू दैट एरियाज देर आर मैनी ट्राइबल पीपल जिनके सिर्फ 25 पॉपुलेशन है, किसी की 50 है, कोई कोई ट्राइब्स हैं विच आर वेरी ह्यूज. ओके. सो दीज काइंड ऑफ सोसाइटी विच लीव इन ए ग्रुप ऑफ 25 to 50 के आसपास में, इसी सोसाइटी को बोलते हैं बैंड सोसाइटी. ओके. सो दैट सोसाइटी आर नोन एज बैंड सोसाइटी. दिस वॉज द काइंड ऑफ सोसाइटी विच वॉज लिविंग ड्यूरिंग द पैलियोलिथिक पीरियड. ठीक है. UPSC इज नॉट गोइंग टू आस्क यू सर्टेन स्पेसिफिक क्वेश्चन. यहाँ से क्वेश्चन कम ही आता है. दे आस्क यू मैप साइट्स. मैप साइट्स पे ज़्यादा फोकस रहता है. सो इन आर मैप क्लासेस वी आर गोइंग टू डू ईच एंड एवरीथिंग अगेन. ठीक है. यहाँ तो बस मैं आपको बेसिक कंसेप्ट समझा रहा हूँ, कम से कम इतना समझ में आने लग जाएगा ना. तो वैन यू सिट इन द फाइनल क्लासेस तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. देखो मैंने भी फाउंडेशन प्रोग्राम किया था 13-14 में. पहले 15 क्लासेस में एंशियंट इंडिया में क्या हुआ मुझे कुछ समझ ही नहीं आया. बिकॉज वी आर नॉट अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, है ना. कॉलेज में मस्ती करते हुए यहाँ एकदम से आके बोलते हैं इंस्टीट्यूशन होता है सोसाइटी, है ना. इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड यार, हमें तो पता ही नहीं है सब क्या होता है. ओके. सो दैट्स वाई यू नीड सर्टन प्रिपरेटरी क्लासेस कि कैसे आगे बढ़ना है. ये सब चीज़ें बैंड सोसाइटी है. बैंड तो हम किसी और चीज़ को बोलते हैं, है ना, कि बैंड बाजा. बट दीज आर टेक्निकल टर्म्स विच आर यूज टू स्पेसिफाई सर्टन फॉर्म्स ऑफ सोसाइटी एंड वी यूज देम कि कम से कम डिफ्रेंशिएट कर पाए. नहीं तो सारी सोसाइटी सोसाइटी है, क्या डिफरेंस है. क्यों यूरोप घूमने का मन करता है, क्यों अमेरिका जाने का मन करता है? व्हाई? बिकॉज वी हैव दे हैव डिफरेंट सोसाइटी, डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, डिफरेंट इंटरेस्ट, डिफरेंट आर्ट एंड आर्किटेक्चर, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, है ना. दुबई जाके क्यों मन करता है, अभी दुबई क्यों घूम के आना है, डेजर्ट सफारी के लिए, राइट. ऑल दिस इज टेक्नोलॉजी. टूरिज्म क्यों, कहीं का टूरिज्म क्यों ज़्यादा अच्छा चलता है, कहीं पर सीनिक ब्यूटी ज़्यादा, कहीं पर टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, समथिंग लाइक दैट. सो वेन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड सी कि भाई यहाँ पे क्या ऐसी अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी विच कैन बी आस्क्ड बाय UPSC. मोस्टली नहीं आएगा, मैप में ज़्यादा आता है. बट एनी वे, इज इट क्लियर? कोर, फ्लेक एंड ब्लेड, दिस वॉज द टेक्नोलॉजी ऑन द बेसिस ऑफ विच वी डिफ्रेंशिएट देम. देन वी हैव
मेसोलिथिक पीरियड, पीरियड विच कम्स इन बिटवीन पैलोलिथिक एंड नियोलिथिक. तो देर वर सर्टन फीचर्स विच डेवलप ड्यूरिंग मेसोलिथिक पीरियड, वाई इट्स कम्स इन बिटवीन. द काइंड ऑफ टूल्स विच वर यूज ड्यूरिंग दिस पीरियड, देर नोन एज माइक्रोलिथ. ओके, माइक्रोलिथ मीन्स वेरी स्मॉल टूल्स फ्रॉम अराउंड 2 to 5 centimeters. मेजोरिटी ऑफ द टूल्स देवर ऑफ 2 to 5 centimeters. Now always remember one thing. Once Mesolithic period starts, it does not mean by the tools of the Paleolithic period they will disappear. We only talk about something which become the USP or which become the main part, rather than a background mein to sab kuch chalta rehta na. All of us are very modern, but if you go to Andaman Nicobar, those tribal people, they are still living the Paleolithic age. They are not even practicing agriculture today. They are living on the basis of hunting and food gathering. This was something which was there in the Paleolithic period. Okay, so if one form of life or the one kind of structure which is there, it does not vanishes. It can only become ki wo off trend ho gaya, but it still remains. Okay, so if any such kind of statement you see in prelims, kabhi test series solve kar rahe ho, so you have to understand one form of life does not go away. वो रहेगा कुछ ना किसी फॉर्म में. इट कैन बी कॉर्नर्ड, इट कैन बिकम द साइड, बट उसका मतलब इट विल नेवर वैनिश. ओके, 2 to 5 centimeters, दैट्स वाई वी सी यूज ऑफ प्रोजेक्टाइल्स, है ना, इजी छोटा छोटा यूज करके प्रोजेक्टाइल्स को यूज करते टू किल एनिमल्स. ठीक है, दिस इज द एज ऑफ माइक्रोलिथ. ड्यूरिंग दिस पीरियड देर वॉज ऑल्सो इन्वेंशन ऑफ फायर. ठीक है, सो फ्रॉम हियर दे स्टार्टेड रोस्टिंग देयर फूड. पनीर टिक्का, चिकन टिक्का, ऑल दिस स्टार्ट फ्रॉम मेसोलिथिक पीरियड. रोस्टिंग स्टार्ट हुआ बिकॉज इट बिकम्स ईजी ना. वेन एवर यू ईट एनीथिंग रॉ, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू डाइजेस्ट, बट वेन यू ईट कुक्ड फूड इट टेक्स लेस टाइम. ठीक है ना, सो दैट्स वाई फ्रॉम हियर देर वर सर्टन चेंजिंग इन द वे वी वर लिविंग. For the first time, we see some artificial habitation. During Paleolithic period, as we have already discussed, they were living in the cave shelters. They were not having their home. अब तो अपना घर है ना, हाँ, कितने स्क्वायर फीट, कितने गज, कौन सी कोठी बनानी है, all those things they were not there in Paleolithic period. During Mesolithic period, उन्होंने सोचा और कुछ ने थोड़ा बहुत try किया. So we have some places जहाँ उन्होंने कोई छोटी सी झोपड़ी टाइप बनाई है. ठीक है ना, ठीक है ना, जिनको टेक्निकली क्या बोलते हैं, वॉटर एंड ड्वार्फ. ठीक है, सो आर्टिफिशियल हैबिटेशन की तरफ उन्होंने चेंज करना शुरू किया. वन रेवोल्यूशनरी थिंग विच हैपन ड्यूरिंग मेसोलिथिक पीरियड वॉज डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स. ओके, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स. सो फार वी वर डिपेंडिंग जस्ट अपॉन हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी स्टार्टेड डिपेंडिंग अपॉन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स लाइक गोट्स एक्सेट्रा. सो दे गॉट एक्सेस टू मिल्क, है ना, मिल्क अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट डाइट का पार्ट होता है. ठीक है ना, मेजोरिटी ऑफ अस ड्रिंक इट इन द मॉर्निंग इटसेल्फ. सो दिस स्टार्टेड बिकमिंग इंपॉर्टेंट फ्रॉम मेसोलिथिक पीरियड, है ना, अमूल यहाँ से स्टार्ट हुआ. ओके, मेसोलिथिक पीरियड से स्टार्ट होती हैं ये चीज़ें. एनीवे, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ याद कर रहे हो, फायर, आर्टिफिशियल हैबिटेशन, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, दीज वर द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स विच स्टार्टेड हैपनिंग ड्यूरिंग मेसोलिथिक पीरियड. देर वॉज वन मोर स्पेसिफिक थिंग, देर वॉज चेंज इन द एनवायरमेंट. Why we had written that environment is very important, because environment has changed the course of history during the Paleolithic period, है ना. कितने लोगों ने Ice Age देखी कार्टून वाली, है ना, सबने देखी होगी यार, ये तो देखनी चाहिए. So during the Ice Age, when environment is very difficult for sustenance of human being, population ज़्यादा होगी या कम होगी, it will be less. But during this period, environment became relatively warmer. And because of this change, population started increasing. During Paleolithic period, we are having band society. So now that society started increasing.
So during this period, we see the beginning of community life. Because environmental changes, increase in population, increase in resources because of domestication of animals. So we have beginning of community life. Is it clear? So from Paleolithic, we differentiate Mesolithic with all these features. Samajh mein aaya? Now when we go towards Neolithic period, there are even further revolutionary changes. Why do we call them revolutionary changes? Jaldi change ho gaya, theek hai, jaldi to nahi hua tha waise. Yes, when there is revolution, there are very large scale changes and that too sudden. तो वो डिबेट अलग रहता है कि इज इट रेवोल्यूशनरी और एवोल्यूशनरी, दैट इज डिफरेंट, बट वो बाद में बात करेंगे. बट हियर लेट अस जस्ट टॉक अबाउट व्हाट काइंड ऑफ रेवोल्यूशनरी चेंजेस कैन हैपन. आपकी और हमारी लाइफ सबसे ज्यादा किस चीज से इम्पैक्ट होती है? किससे? फूड. इफ देयर इज नो फूड ऑन द टेबल, यू एंड मी विल गो बैक टू फॉरेस्ट और फूड के लिए वापस चलेंगे, राइट? हियर वी सी द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर. Without agriculture, cities cannot sustain. है ना? What happened to Harappan civilization? They were abandoned. Whenever there is lack of agriculture, the lack of profitable or sustainable agriculture, cities cannot remain. So that's why we see the beginning of agriculture. Along with agriculture, what do we see? पोट्री, ठीक है, बाद में आएगा. देयर वाज इन्वेंशन ऑफ व्हील, है ना, उसी का एक आउटकम इज पोट्री. नाउ इन्वेंशन ऑफ व्हील इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज ऑफ दिस व्हील ह्यूमंस आर रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ. विदाउट व्हील वी कैनॉट रिवॉल्व. कहाँ तक जाओगे? सो दिस व्हील इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑल आर ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, दे आर बिकॉज ऑफ व्हील, है ना. जिंदगी भी गोल गोल ही घूमती है. सो दिस व्हील इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स वाई दीज वर रेवोल्यूशनरी चेंजेस. सो फ्रॉम हेयर इट सेल्फ वी सी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. है ना, आजकल एक कॉम्पिटिशन चल रहा है ना मार्केट में, 10 मिनट में डिलीवरी, 15 मिनट में डिलीवरी, है ना. डिलीवरी ही नहीं हो पाती अगर व्हील नहीं होता तो. Okay, it all starts how the transportation network begins. Agar land ke upar hai to without wheel to it is not possible. So we see the invention of wheel. Because of this we see also the development of pottery. Pottery was required because whenever there is surplus produce we require something for storage purpose, hai na, FCI ki tarah. So that is your pottery, the beginning. Then tell me what else which is very important happened during Neolithic period. Settlements. Yes, agar agriculture ho gaya, theek hai, you do not require to move from one place to another. So sedentary life started. Permanent settlement mein you need to use the right kind of word. British wali feel aati hai, permanent settlement. Anyway, sedentary lifestyle started. Now you can live at one specific place. You don't have to roam around. यहाँ से वहाँ भागना नहीं है रोज खाने के लिए. If you are dependent upon hunting and food gathering, you have to go from one place to other. But now you know कि भाई चलो ठीक है, time पे चावल आने वाले हैं, गेहूँ आने वाले हैं, तो you can live at one specific place. Because of this sedentary lifestyle, we see the development of villages. We were not having any concept of villages before Neolithic period. ठीक है ना, remember these important things which happened in a specific period. Because once you remember them, prelims में तो गलती होने का चांस आएगा ही नहीं. You will be able to easily get through. ठीक है? Yes. Ideological things के resources
बट उसका हमें वो मिलता नहीं है ना एविडेंस, मनगढ़ंत कहानियां बन जाती हैं फिर. एनीवे लुक, देयर इज ऑलवेज देयर आर, व्हेन वी टॉक अबाउट कॉन्फ्लिक्ट्स, मैन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स वर बॉर्न टुगेदर, है ना. इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है. एवरीबॉडी नोज दैट, है ना. ये क्वेश्चन कभी भी आप MBAs वगैरह की कोई वर्कशॉप में पढ़ोगे, दे विल आस्क यू कि हु डू यू फियर द मोस्ट, डेविल, गॉड. आंसर लास्ट में आपको क्या बताएगा, ह्यूमन, साथ में पड़ोसी जो है. ठीक है ना. बट हिस्ट्री में वो रिकॉर्ड होना चाहिए, देन वी कैन टॉक अबाउट इट. लाइक वी टॉक्ड अबाउट मेसोलिथिक पीरियड, है ना. हेयर वी ऑल्सो फाउंड एविडेंस ऑफ वॉर. Means these tools, projectiles were used for killing other people. There are specific places where we found this evidence of war. Abhi war wo movie ki tarah hai, do log lad rahe hain bas. It does not mean First World War. Theek hai na? Hai na movie jo aayi thi abhi start mein. To aise conflicts are there, but the scale was very small. It was very narrow. Hai na, kis cheez ke liye ladai karoge? Space, aaj to ladai kar sakte hain for land. है ना मूवी इतनी घोसला का घोसला, हैव यू वॉच दैट मूवी. सो यू आर फाइटिंग फॉर प्रॉपर्टी, सिस्टम ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी वॉज नॉट देयर. किस चीज़ के ऊपर कन्फ्लिक्ट करोगे? एग्रीकल्चर रिसोर्स तो वो तो बढ़ा सकते हो ना, देर इज एम्पल अमाउंट ऑफ लैंड. ठीक है ना, देर आर कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, जो आज भी आपको पैसा दे रहे हैं वहाँ सेटल होने के लिए, है ना. इटली, बिकॉज ऑफ एज ज़्यादा हो रहा है. वाई? बिकॉज एग्रीकल्चर का दिक्कत नहीं है, इंसान कम है. ठीक है, वेन वी हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज फाइट इज गोइंग टू बी लेस. वेन वी हैव स्कार्स रिसोर्सेज, हाई पॉपुलेशन, देर इज गोइंग टू बी कन्फ्लिक्ट. इंडिया इसका एग्जाम्पल है. ठीक है ना. वाई दी नॉर्डिक कंट्रीज, कौन कौन आता नॉर्डिक कंट्रीज में? स्वीडन, है ना, फिनलैंड, ये सारी जो कंट्रीज हैं, अब वहाँ सब ये सब होता ही नहीं है, आप और मैं लड़ाई कर रहे हैं बस. बिकॉज वी आर बॉर्न इन सच अ सोसाइटी, वहाँ पे सिविल सर्विस की कोई वैल्यू नहीं हो सकती. यू नो व्हाई? पॉपुलेशन ही नहीं है, किसी को आपकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है. दे आर लिविंग वेरी इजी लाइफ. हेयर इफ यू गो टू विलेज साइड, लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट. सो इफ यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट, यू कैन क्रिएट नेम फॉर योर सेल्फ, है ना. आपके जैसे एक स्टूडेंट है, वो मेरे से क्लास में पूछे, सर हमारे साथ ना नाइंसाफी हुई है, इनजस्टिस हैज हैपन टू आर सन, क्या हो गया ऐसा? सर गांधी जी के टाइम पे लड़ने के लिए कुछ था, है ना, दे कुड फाइट विद ब्रिटिश, दे कुड क्रिएट देयर नेम, अब हमें नाम बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है. सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स, है ना. हर किसी के ब्रेन चलती रहती है एक तरफ, एक डायरेक्शन में. एनीवे, चलो वापस आते हैं. नियोलिथिक पीरियड, रेवोल्यूशनरी चेंजेस, एग्रीकल्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, बिकॉज when we talk about Indus Valley civilization, urbanization happens because there was surplus of agriculture. All right, then we see invention of wheels, because of this potteries and other art and craft started, sedentary lifestyle, and thus we have villages. Because of this, there is one person, famous person, V. Gordon Child. So he has used this revolutionary changes, na? So he has called it Neolithic revolution. But there is a debate with respect to that, that we'll study when we start the core classes. Okay, so when you're going to read about human evolution, the old stone age and the Neolithic age, this is all you're going to study. These are the major points which you need to remember. We are going to do map later on, so map ko iske saath mein add kar denge. Now I don't want to, you know, trouble you with number of sites ki Paleolithic mein aisi 5 sites yahan pe hain, na, north mein, south mein. We'll do the map section, there you're going to understand. बट ये इन्फॉर्मेशन याद रखना, तब तक ये ना हो कि जब तक मैप आए तब तक ये जा चुका है. ठीक है, दैट शुड नॉट हैपन. ओके, वी गोइंग टू डिस्कस द वेरियस वेज इन विच सेटलमेंट्स हैव हैपन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट. ओके, दैट विल हैपन अलॉन्ग विद मैप. नाउ कम्स इंडस वैली सिविलाइजेशन. वाई इंडस वैली सिविलाइजेशन? ठीक है ना, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन इंडिया. राइट नाउ रिसर्चेज आर गोइंग ऑन इन तमिलनाडु. देयर इज वन स्पेसिफिक सिविलाइजेशन नोन एज तम्रापानी सिविलाइजेशन. इफ वी कैन गेट सम एविडेंसेस, सो इट मे गेट चेंज्ड आल्सो.
So history is kind of dynamic subject. Once we go for resources, researches, तो वो चेंज भी हो सकता है. बट एनी वे राइट नाउ एज पर आर रिकॉर्ड दिस इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन. हेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कल्चर सिविलाइजेशन. ठीक है, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, बिकॉज वी हैव यूज्ड द सिविलाइजेशन वर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? ये कौन सी डेफिनेशन है? लिविंग लाइफ इन सिस्टमेटिक वे. सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन इज मोर ऑफ अबाउट यस मटेरियल एस्पेक्ट्स. ठीक है, दिस इज अबाउट टेंजिबल. दिस इज मोर अबाउट इनटेंजिबल. When we talk about civilization, there are two very important things which are part of it. One is urbanization and second is writing or script. Okay, so there are a lot of physical infrastructure which is related to civilization and the writing. Ye do cheez must hai. When we talk about historical सिविलाइजेशंस, ओके, दीज टू थिंग्स आर मस्ट. वेन वी टॉक अबाउट कल्चर, कल्चर में क्या था? अपने नॉर्मल चीज़ है, मान लो कि सॉन्ग है, नाउ इट इज़ अ पार्ट ऑफ कल्चर. इट इज इनटेंजिबल, यू कैन नॉट टच इट, बट वंस वी क्रिएट दीज बिल्डिंग्स, दीज आर टेंजिबल. ठीक है ना, वी नो अबाउट हरप्पन सिविलाइजेशन बिकॉज ऑल देयर स्ट्रक्चर इज इन प्लेस. है ना, अभी कुछ दिन पहले यू हैव लर्न अबाउट राखीगढ़ी. है ना, लॉट ऑफ रिसर्चेज आर गोइंग ऑन, वी आर एबल टू नो कि भाई क्या क्या चीज़ें उनके पास में थी, वट ऑल मटेरियल रिमेन्स वर देयर. राइट, ओके, ड्रेनेज सिस्टम बना के गए हैं, बिल्डिंग्स बना के गए हैं, पैलेसेस दे हैव क्रिएटेड. सो ऑल दिस पार्ट ऑफ सिविलाइजेशन. कल्चर इज नथिंग बट समथिंग विच इज देयर बट इट इज इनटेंजिबल, लाइक वैदिक कल्चर. सो नो पब्लिक मोन्यूमेंट बिल्डिंग एक्सेट्रा कैन बी हैज बीन फाउंड फ्रॉम वैदिक पीरियड. कुछ एक दो जगह पे थोड़ा रिसर्च में मिला है बट लार्जली इट इज नॉट देयर. सो दिस इज द डिफरेंस. एंड एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ड्यूरिंग वैदिक पीरियड देयर वाज नो राइटिंग. ठीक है ना, स्क्रिप्ट नहीं था, देयर वाज लैंग्वेज बट देयर वाज नो राइटिंग. सो दीज टू आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ सिविलाइजेशन प्रोसेस. ओके, अर्बनाइजेशन एंड राइटिंग एंड स्क्रिप्ट. ठीक है, सो रिमेंबर दिस. नाउ इंडस वैली सिविलाइजेशन, what features do you see? So we see town planning. What were the elements of town planning here? Yes, a lot of features, right? Like it was divided into two part at most places, hai na? On the one side we have citadel or the palace, on the right side we have the lower town. ठीक है ना, only some places like Dholavira we have three divisions. Okay, but majority we have two divisions. Then what else? Drainage system was there. That is an isolated feature, not a part of the town planning itself. ठीक है ना, so yes, ठीक है, they followed the चेसबोर्ड और ग्रिड सिस्टम. है ना, जैसे हम मैप बनाएंगे वैसे वो सिस्टम था उनका, ग्रिड सिस्टम. देन 90 डिग्री पे देर यूज टू बी, दे यूज टू इंटरसेक्ट विद ईच अदर. ठीक है ना, देर वाज सिस्टम ऑफ वॉच एंड वार्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ पीपल. ठीक है ना, देन व्हाट एल्स फॉर द फीचर्स? यस, ब्रिक साइज. ठीक है, उनका एक रेशो बना के रखते थे 1:2:4, ऐसा एक रेशो बना के रखते थे ब्रिक्स का, विच वॉज यूज इन दी अर्बन सेटलमेंट्स. ओके, सो देर वॉज
टाउन प्लानिंग. व्हाट एल्स डू वी नो अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन? व्हेन वी टॉक अबाउट देयर रिलीजन. सो चीफ गॉडेस वाज मदर गॉडेस. Why mother goddess? No, I know about nature, but why? There can always be reasoning behind it. Yes. Agriculture surplus was the requirement. Okay, without agriculture surplus, we cannot have city. So during Chalcolithic period as a whole, as well as Indus Valley civilization, the fertility cult was mother goddess. Is it clear? Because without fertility, we cannot have agriculture. So that's why gods and goddesses, they are also decided by people as per the requirement. Ki aaj kaun kaam aayega, hai na? This is always there. So religion. What else? But that does not mean that male gods were absent. We have, hai na? Proto Shiva. We have bearded priest. Actually, there was a tradition of bearded priest in Mesopotamia. So that's why when John Marshall, he saw one priest, तो उसको सीधा बोल दिया bearded priest, और priest king. These priest king concept was there in Mesopotamia. Okay, so these are the features with respect to religion, but it was not limited to this. They also had nature worship, okay, like one of you have mentioned about great bath, fire altars also were there, hai na, havan kund. Okay, so religion, we know something about religion. Do we know anything about their political class? We can interpret, right? There was a lot of civic amenities. Like if you see all these amenities, hum bana sakte hain aisa? Without any civic administration, is it possible? To aaj bhi possible nahi hai Delhi mein. So there should have been something. Yeah, kuch to hoga na, which was able to create such a good system which could maintain the urban infrastructure. So there must have been some political class. That we can see also from, hai na, Citadel and Lower Town, the way they had divided their houses, theek hai na, cities ko. So there was political class. So there are a lot of, you can say, speculations, hai na. Someone came and said Harappa and Mohenjo-daro, they were the capitals and rest were the other areas. But how do we know about Harappa and Mohenjo-daro? Can we term them as capitals? Just because we have excavated them in the beginning itself, we cannot call them as capital. Nobody knows what kind of system was there. Okay, so political class, we do not have any direct idea, that you need to remember. But when we are going to deal with the core classes, then I am going to give a lot of explanation. What could have been, should have been, वो वहाँ पे बात करेंगे, ठीक है? NCRT में इन सब चीजों के बारे में बात नहीं किया हुआ. They have talked about town planning. They have talked about the religion, ठीक है? Yes, we can. When we talk about the social features, so there we can say yes, it was more of a progressive society. It was cosmopolitan because it was a trading society, and you see, any society which is majorly a trading society, there will be cosmopolitan. There be, you can say, there be many kind of cultures will be within one specific society. Then, sati ke piche pade rahe hain. How do we know? How do we know sati tha ki nahi tha? Likha hai kahin pe? How can we say?
वी हैव फाउंड सम सीरीज जिसमें कि एविडेंस है कि ये सती हो सकता है. एट लोथल वी हैव फाउंड वन सच काइंड ऑफ एविडेंस. देयर इज वन सील इन विच टू पीपल आर होल्डिंग अ वेपन वेरी क्लोज टू द नेक ऑफ ए फीमेल. ओके बट वी डू नॉट नो वो सती है या फिर नहीं है. दीज आर ऑल स्पेकुलेशन. दिस हैपन्स बिकॉज हम आज के प्रिज्म से और लेंस से पुरानी दुनिया देख रहे हैं. ठीक है. सो नो बडी नोज. एनी वे वेन वी टॉक अबाउट द सोशल फीचर्स सो इट वॉज प्रोग्रेसिव इट वॉज कॉस्मोपोलिटन. अबव ऑल देर वॉज वन वेरी सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ दिस सोसाइटी. कैन यू टेल दैट? इट वॉज यूटिलिटेरियन. वट इज द मीनिंग ऑफ यूटिलिटेरियन? कितना यूसेज है किस चीज का. ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली दे यूज टू टेक देयर डिसीजंस. लाइक व्हेन दे क्रिएटेड देयर सिटीज दे वर नॉट लैविश सिटीज. ठीक है ना. दे वर नॉट लैविश इन नेचर. सेकंड दे वर सेकुलर सोसाइटी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकुलर सोसाइटी? एब्सेंस ऑफ रिलीजन इन द पब्लिक स्फीयर. इट वॉज मोर ऑफ ए प्राइवेट स्फीयर वेयर रिलीजन वॉज देयर. सो इट वॉज अ secular society. So this is the big difference with respect to Vedic period. Okay, where Vedic was more of a religious society. All right. So this all you need to understand before reading NCERT is कि भाई ये सारी चीजें यहाँ पे हैं. What else do we read? We're going to read about various weights and measures. Okay, we're going to read a little bit about economy. So economy, one very important thing you need to remember that we were not having any coinage system. We were not having any specific currency. We were having barter system. Okay, and they used seals for authenticating their goods. Okay, so and they were trading not only with Indians, they were trading also with other civilization like Mesopotamians as well as the Persian etc. Okay, so economy wise they were very rich, but around 3300 BC there was beginning of the civilization. By 2600 BC it became mature or urban. By 1750 BC it started falling apart. Okay, so there are a lot of theory with respect to decline. What are those theories? There was one theory with respect to Aryan invasion. Ki Aryans, they were responsible for the downfall of Harappan civilization, but that is considered as the weakest theory. You know why? Because Aryans came around 1500 BC. So there is a gap of around 250 years. Okay, so this is one theory of Aryan invasion. Then there are a lot of events at various places. Somewhere we have flood, we have earthquake. Like flood was there at Mohenjo-daro. Okay, more than 7 times the city was flooded. Earthquake was there at Kalibangan. ठीक है. Evidence of fire etc. Lothal. So lot of supernatural events have been termed as responsible for downfall of Harappan civilization. But the most accepted one is ecological imbalance. The manner in which Harappan civilization was using resources, it made it impossible for the sustainable development. Okay, why? Because they use burnt bricks. They use burnt bricks. So for burnt bricks, they had to burn a lot of trees. Okay, and if you do that for these thousands of years, what is going to happen? Yes, it leads to deforestation. It leads to change in the monsoon pattern in the long run. Okay, so there are a lot of researches which are going on recently. There are a lot of theories which are coming up, like monsoon linked theory.
कि भाई मॉनसून शिफ्टेड फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्टिनेंट टूवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट एंड बिकॉज ऑफ दिस शिफ्टिंग ऑफ द मॉनसून बेल्ट देयर वाज अ सीवियर ड्रॉट विच लेड टू द डिक्लाइन ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन. ओके सो यूपीएससी आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन द डिक्लाइन ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन है ना. लास्ट इवन इन 2021 दे आस्क्ड वन वेरी थीमेटिक क्वेश्चन दैट द फ्लो एंड द एब ऑफ द सिविलाइजेशन डिपेंडेंट अपॉन ecological factors means it grew because of ecological factor and it fell due to because of factors. Just like for decline there are a lot of theories with respect to its origin also. One theory is it was made by Mesopotamians. Okay, second theory it was made by the Vedic Aryans. One which is most accepted it was an indigenous evolution. Okay, so there are three theories with respect to its rise as well as its decline. All right. So both में जो most accepted है for prelims point of view you need to remember most accepted for rise is indigenous evolution and for decline we have is ecological imbalance. Not even climate change. There is a difference between ecological imbalance and climate change. ठीक है ना. Climate change में क्या होता है there is change in average weather pattern है ना. 5 to 10 years का average लेते हैं अगर वो change होता है तो फिर उसको 20 to 30 years ठीक है ना तो उसको क्या बोलते हैं क्लाइमेट चेंज बोलते हैं. बट इकोलॉजिकल इम्बैलेंस इज मीन्स द वे यू आर यूजिंग द रिसोर्सेज इट क्रिएट्स अ डिस्टर्बेंस है ना. द रिसोर्सेज की जो ग्रोथ है एंड द डिप्लीशन है इफ इट इज नॉट गोइंग टू मैच इट इज लीड टू इकोलॉजिकल इम्बैलेंस. सो दिस वॉज द मेजर फैक्टर बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन. ठीक है सो इन दिस चैप्टर हरप्पन सिविलाइजेशन ऑल दीज थिंग्स आर मैंशनड. ओके a lot of stories are given with respect to this. Okay, spread of civilization. So majority it was in Pakistan and northwestern part of Indian subcontinent. कॉन्टिनेंट ठीक है. नॉर्थ वेस्टर्न जो इसका एक्सटेंट है दैट इज कंसिडर्ड एज मांडा इन जम्मू. ठीक है जो यहाँ पे वेस्टर्न मोस्ट है दैट इज सुक्ता गंडोर. ईस्ट में इज आलमगीरपुर एंड साउथ में वी हैव धोलावीरा. ठीक है इन सबको बोलते हैं कभी कभार इसको मालवा भी बोलते हैं. ठीक है वो डिपेंड करता है अगर मैच्योर फेज में ले रहे हो कौन सा है तो मालवा है अगर बाद में ले रहे हो तो इट इज़ दाइमाबाद. ठीक है ना दाइमाबाद भी आ जाता है. ठीक है सॉरी वो धोलावीरा दाइमाबाद है. देन एट द टाइम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वी वर ऑल्सो हैविंग अ लॉट ऑफ कल्चर्स एंड दीज कल्चर्स वर कैल्कोलिथिक कल्चर्स. ठीक है ना लॉट ऑफ कल्चर्स डेवलप्ड इन इंडिया दे आर नोन एज कैल्कोलिथिक कल्चर्स. ठीक है कौन कौन से कल्चर्स हैं कैन यू नेम देम. आहर ठीक है ना वो आसपास में ही आहर और बनास तो रिवर ही है ना सेम. ठीक है वी हैव जोरवे कल्चर इन महाराष्ट्र आहर जो है राजस्थान. देन व्हाट एल्स वी हैव नवदातोली इट इज इन एमपी. वी हैव कायस्था. ठीक है वी ऑल्सो हैव अदर कल्चर्स टेल मी नेम. कैल्कुलेटिक कल्चर्स हाउ मैनी ऑफ यू आर हैविंग एनसीईआरटी पढ़ा कितने लोगों ने टेल मी वन और टू नेम्स. These were the other cultures which were there at the time of Indus Valley Civilization. These cultures were not having which two things? Script and urbanization. Okay. But they were using copper. ठीक है सो वी हैव आहर जोरवे. ठीक है कायस्था कल्चर है हमारे उसमें ईरान कल्चर है. ठीक है देन सवलदा. सो देयर वर अ लॉट ऑफ कल्चर्स. ठीक है ना इन एंड अराउंड जहाँ एक्सटेंट खत्म होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का फ्रॉम दैट पार्ट ऑनवर्ड्स इन राजस्थान गुजरात. गुजरात में वी आर हैविंग रंगपुर कल्चर. ठीक है सो ऑल दीज कल्चर्स वर देयर इन इंडिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो व्हाई वी रीड अबाउट दीज कल्चर्स
because there was interaction between them. Like we have one specific site of Ganeshwar. This was asked by UPSC in last year, prelims se pooch liya tha. So from Ganeshwar, Indus Valley civilization, they used to get what? Copper. ठीक है ना, copper यहाँ से खेतरी mine से यहाँ से इनको copper मिलता था. Similarly from Karnataka they used to get gold. ठीक है ना, कहीं से tin मिल रहा है हरियाणा के आसपास से. So all these things, there was a lot of vibrant interaction between these cultures and Indus Valley civilization. Because of this, a lot of you can say products which were created in Indus Valley civilization can be found even in these cultures, है ना. And during the last phase of Indus Valley civilization, where it was getting ruralized, when we talk about decline of Indus Valley civilization, it does not mean the end of life of people of Indus Valley civilization. They migrated from northwestern part of Indian subcontinent to other places. ठीक है, so there was migration towards coastal areas like Gujarat and there was migration towards eastern areas like Haryana. ठीक है ना, हरियाणा और यूपी का, यूपी वेस्ट, वहाँ पे उनका माइग्रेशन हुआ है. सो ऑल दीज कल्चर्स दे गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द कल्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. दैट्स व्हाई वी रीड अबाउट देम एंड यूपीएससी एट टाइम्स आस्क व्हाट वर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ऑल दीज कल्चर्स. तो हर किसी के कुछ कुछ यूनिक पॉइंट्स हैं विच वी नीड टू अंडरस्टैंड. ठीक है ना, जैसे वेन वी टॉक अबाउट जोरवे कल्चर, सो जोरवे कल्चर वन ऑफ द फेमस साइट इज इनामगांव विच इज़ फेमस फॉर पिट ड्वेलिंग्स. ठीक है ना, कहीं पे सर्कुलर हाउसेस हैं, कहीं पे कुछ है. सो वी जस्ट नीड टू रिमेंबर फ्यू थिंग्स. जैसे रंगपुर है, इट वॉज फेमस फॉर राइस कल्टिवेशन. कोस्टल एरिया है, इट वॉज फेमस फॉर राइस कल्टिवेशन स्पेसिफिकली. ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड व्हाट वॉज द चीफ क्रॉप? बार्ले. ठीक है ना, कि बार्ले वॉज द चीफ क्रॉप. सो वी हैव टू रिमेंबर ऑल दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट. ड्यूरिंग कैलकुलिथिक पीरियड वी सी द पेंटेड पॉटरी फॉर द फर्स्ट टाइम. पॉटरी स्टार्टेड फ्रॉम क्रूड पॉटरी ड्यूरिंग मेसोलिथिक. ठीक है, व्हील बेस्ड पॉटरी फ्रॉम नियोलिथिक एंड कैलकुलिथिक में वी सी फर्स्ट टाइम पेंटेड पॉटरी. पहली बार किसी ने उसको पेंट किया. सो सच थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर. अलॉन्ग विद दिस यू हैव टू रिमेंबर द लिमिटेशंस ऑल्सो ऑफ कैलकुलिथिक कल्चर. वट आर दोज लिमिटेशंस? दे वर नॉट एबल टू लर्न फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन. विच टू स्पेसिफिक थिंग्स? हाँ, अर्बनाइजेशन दे वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. सेकेंड, स्क्रिप्ट. ठीक है, थर्ड, द क्वालिटी ऑफ कॉपर दैट दे वर यूजिंग वॉज इन्फीरियर. ठीक है ना, वेन वी कंपेयर इट विद द काइंड ऑफ मेटल यूसेज बाय इंडस वैली सिविलाइजेशन. ठीक है, सिमिलरली इफ वी टेक द केस स्टडी ऑफ जोरवे, सो लॉट ऑफ डेड बॉडीज ऑफ चिल्ड्रन हैव बीन फाउंड, विच मीन्स देर वॉज अ लॉट ऑफ माल न्यूट्रिशन. ओके, सो देर वॉज अ लॉट ऑफ माल न्यूट्रिशन. ऑल दीज थिंग्स आर गिवन इन योर एनसीईआरटी, जस्ट रीड इट. थीम मैंने आपको समझा दी है एंड बेसिकली बस इनके फीचर्स को थोड़ा बहुत याद रखना है कि भाई क्या इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, इकोनॉमी से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. पॉलिटिकली एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, पॉलिटिकली वी डू नॉट फाउंड एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन बिकॉज देर वॉज नो रिटन रिकॉर्ड. ओके, हाँ, बार्ले इनका ज़्यादा फेमस था. Now after Indus Valley civilization, we see the beginning of Rig Vedic period. Okay, now from here onwards, so far no written record was there. Either there was no written record or it was not decipherable for us. ठीक है, because of this so far whatever we have created is only on the basis of archaeological sources. But from now this time onwards we have literary sources. Because of this we know about each and everything in detail. अभी तक हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन की पांच बातें की और बस आगे निकल गए. ओके, बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी हैव अ लॉट ऑफ डिटेल्स रिगार्डिंग द पॉलिटिकल लाइफ, रिगार्डिंग इकोनॉमिकल लाइफ, सोशल, कल्चरल, रिलीजियस. सो फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक वी हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. व्हाई? बिकॉज ऑफ दीज
literary sources. This is what we discussed when we talked about the positive and negatives of archaeological and literary sources. Okay, so when we talk about Vedic period, all of you know that they came from outside. So they were a series of migration. There were a lot of waves, okay, in which these Aryans, they came towards India. Most accepted view is these people have come from around Central Asia. During the modern India, there were a lot of debates with respect to Vedic Aryans, because these Vedic Aryans, they lived in which part of the country? They came from Central Asia. They lived around, ठीक है ना, सबसे जो पहले है, जो फर्स्ट फेज है ड्यूरिंग द रिग वैदिक पीरियड, सो दे वर लिविंग इन ईस्टर्न अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड टचिंग टिल नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, ठीक है. बाद में जो अपना लेटर वैदिक पीरियड है, इनमें सप्त सेंध वाले रीजन के पास में ज़्यादा रहने लग गए थे. ओके, सो दो विद द पीरियड ऑफ टाइम दे वर कमिंग टूवर्ड्स इंडिया, ठीक है. सो इनिशली दे वर फ्रॉम सेंट्रल एशिया. But during the modern period, there were a lot of debates. Like if you talk about the caste system, this caste system was system of Vedic period, hai na? They came with the system of Varna. Varna was word for color. With the period of time, this got changed into caste system. Initially, it was not linked to birth, but by the later periods, it became linked to birth. So no one could change their caste. Because of this, during modern period, there were a lot of debates, hai na? One major debate was these Vedic Aryans, they were from outside, and people who were considered as Shudras, they were from India itself. So that's why B.R. Ambedkar, when he talked about the Vedic Aryans, so he said these people were outsider, not the शुद्रास, बिकॉज इवेंचुअली उन्होंने शुद्रास को आउटसाइड सोसाइटी बना दिया था ना. बट इफ यू टॉक अबाउट द इनिशियल सेटलर्स, हु वर द इनिशियल सेटलर्स, हु वर इंडिजिनस पीपल, बट बिकॉज ऑफ दिस माइग्रेशन फैक्टर एंड बिकॉज ऑफ डोमिनेंस ऑफ देयर कल्चर, दे बिकम द मेन स्ट्रीम कल्चर. बट वेन वी टॉक अबाउट दिस इन हिस्ट्री ऑप्शनल, यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर वैदिक पीरियड डज नॉट रिप्रेजेंट द कल्चर ऑफ होल ऑफ इंडिया, ओनली नॉर्थ इंडिया, नॉट South India or not even the Deccan. Is it clear? ठीक है, we are going to learn a lot of things, how to evaluate the historical perspectives, but that will start in the core classes. Right now I'm just giving you brief introductions of each and everything. So you need to ponder over these, think, and then eventually you will be able to understand in those classes कि भाई क्या हमारे लिए ज़्यादा important है. So anyway, these Vedic people, they came from Central Asia. There was not only one migration, there was a series of migration. पहले कुछ आए, उसके बाद में दो तीन बार, है ना. Then they were associated with the Varna system, which literally mean color. With the period of time, it evolved into caste system. Okay, so when we talk about literature, so Vedic period can be divided into two parts. One we have early Vedic, then we have later Vedic. So the literary sources which belong to the early Vedic period, it includes Rig Veda, and within Rig Veda, like I have already told you, book number 2 to 7, ठीक है. Here it includes Rig Veda book 1, 8, 9, and 10 plus Samveda, Yajurveda, and last one we have is Atharveda. Okay, so these are the literary sources. One belongs to the early Vedic period. Later Vedic ke liye we have multiple sources. Okay, so these are the four Vedas which are very famous. When we talk about Indian tradition,
when we talk about Indian tradition, there are two specific, you can say, designations which can be given to any text. It can be either Shruti or Smriti. Shruti means something which has been heard. It is not written by humans. Hai na? It is told by the god, and during the meditation, rishis were able to understand it. So, this kind of status of Shruti is only given to Vedas. These four Vedas, they are known as Shruti literature. Okay? But Smriti includes a lot of things. Hai na? We'll be able to understand. Baad mein jitna bhi literature aayega, it is part of Smriti, jiske andar Veda Anga aa jata hai, theek hai, epics aa jayenge aapke, aur Dharma Shastra aa jayenge. So, all those, they will become part of Smriti literature. But for beginning, Vedic period has been divided into two parts, early Vedic and later Vedic. Early Vedic had Rig Vedic, book number 2 to 7, later Vedic, book number 189 and 10, Sam, Yajur and Athar Veda. Combinedly whole, this Vedic period literature has the status of Shruti literature. Is it clear? Itna yaad rakho. Now we'll go into the internal divisions. So we have Rig Veda. The time period is from 1500 to 1000 BC. Theek hai? So for around 500 period years. So now during the Rig Vedic period, since they came just from outside, the society was in a form of flux. Flux kya hota hai? Settled down nahi hua tha. Institutions were new, language was new, theek hai na? Whatever they were trying, institution they were creating, they were in a very nascent phase. Ya bas shuru hi hue the. So these were the institutions, polity, economy, society and religion. Okay, so their polity was more of tribal in nature. What is the meaning of tribal? Sharp distinctions are not there. Hai na? Sharp distinction ka matlab kya hai? Ek koi raja ban jayega aur ek bilkul hi lower class mein aa jata hai. Okay, so that kind of division is not there in tribal societies. Same kind of status is there. Sabko bhai bandhu apna bana lete. So their polity was what kind of? Tribal in nature. Okay. Their administration was also rudimentary. Rudimentary means it was just in the starting phase. Very few officers are mentioned who were part of bureaucracy. The powers of king were very minuscule. It means uska jo main function tha, it was not governance. His main function was to defend the tribe at the time of any specific war. Okay, so unki main power kya thi? He was more of a military commander than a king. Hai na? Usko administration ka role kam diya hua tha. All right. There were certain democratic elements, institutions of sabha and Samiti. Sabha, it was the gathering of the elders, and Samiti, it was the, you can say, congregation of common people. Common people used to sit together, and there were even examples of this Samiti electing the king. Okay, that much of power was there with them. That's why we see the level of democratic elements that we are having during the Rig Vedic society was very high, which is going to decrease from this period onwards. Okay, if we talk about economy, they were majorly mainstaying on animal husbandry. They were not practicing agriculture. Okay, this you have to remember. They were not practicing agriculture. They were dependent upon animal husbandry. Okay. Land as a form of private property was absent. है ना? तो प्लॉट के लिए लड़ाइयाँ नहीं चल रही थी. They were fighting for one specific commodity or one specific form of wealth, that is cows. So their fight used to be for cows, गाय के लिए.
ठीक है ना, दैट्स व्हाई दे यूज्ड टू यूज द टर्म गविस्थी, है ना, दे यूज्ड टू फाइट, व्हेनेवर दे यूज्ड टू बी फाइट बिटवीन द ट्राइब्स दे यूज्ड टू फाइट फॉर काउस, दैट वॉज द मेन सोर्स ऑफ वेल्थ बिकॉज दे वर प्रैक्टिसिंग एनिमल हस्बेंड्री. ठीक है, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमी. अगेन देर वॉज नो सिस्टम ऑफ कॉइन्स. ओके, दे आर सर्टन टर्म्स विच आर मैंशनड, है ना, निष्का एक्सेट्रा, बट दे डू नॉट नेसेसरली मीन कॉइनेज. दे वर मोर ऑफ ज्वेलरी रैदर देन कॉइन्स. इफ यू टॉक अबाउट सोसाइटी, सोसाइटी वॉज इगैलिटेरियन, मीन्स काफी द लेवल ऑफ इक्वालिटी वॉज वेरी हाई. वेरी हाई स्टेटस वॉज अकॉर्डेड टू वुमेन. ओके, दे वर अलाउड टू गेट एक्सेस टू एजुकेशन. ओके, विच वॉज काइंड ऑफ डिफिकल्ट प्रॉस्पेक्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो दे वर गिवन एजुकेशन, दे कुड मैरी एज पर देयर ऑन चॉइस. ओके, सो दे कुड चूज देयर हस्बैंड. ऑलराइट, बट इट वॉज अ पैट्रियार्कल सोसाइटी. इट डज नॉट मीन इट वॉज मैट्रियार्कल, इट वॉज पैट्रियार्कल, मीन्स द हेड ऑफ द हाउस वॉज द, ठीक है ना, मेल. ठीक है, पैट्रियार्कल. वेन वी टॉक अबाउट रिलीजन, इट वॉज ड्रिवन बाय पर्सोनिफिकेशन ऑफ सुपर नेचुरल पावर्स. दैट्स वाई देयर मोस्ट फेमस गॉड आर इंद्रा, अग्नि एंड वरुण. ठीक है, मैक्सिमम जो हिम्स हैं, जो मंत्र लिखे गए हैं, दे आर मैक्सिमम फॉर इंद्रा. ओके, सो पर्सोनिफिकेशन ऑफ सुपर नेचुरल पावर्स वॉज मेजोरिटी द रिलीजन. दे आर वर्शिपिंग जस्ट लाइक वैदिक द इंडस वैली सिविलाइजेशन, नेचुरल जो है, ठीक है ना, नेचर वर्शिप वॉज देयर. देन दे आर प्रैक्टिसिंग कैथनोथिज्म, कि भाई ऑन ए पर्टिकुलर डे वन डेटी बिकम्स सुप्रीम्स इवन दो अदर डेटीज आर ऑल्सो रिकोगनाइज. लाइक ट्यूडे आप अगर भगवान आप जाओगे मंदिर, तो सबसे ज़्यादा किसके ऊपर प्रसाद चढ़ेगा, शिव जी को. दैट डज नॉट मीन कि बजरंग बली की कम पूजा होगी, वो कल होगी. सो दिस काइंड ऑफ रिलीजन इज नोन एज कैथनोथिज्म. ठीक है, वेयर ऑन ए पर्टिकुलर डे वन डेटी बिकम्स सुप्रीम, दिस इज नोन एज कैथनोथिज्म और हिनोथिज्म. दिस वर्ड वॉज यूज बाय मैक्स मूलर फॉर डिस्क्राइबिंग इंडियन रिलीजन. ठीक है, दिस इज नोन एज कैथनोथिज्म और हिनोथिज्म. सो दीज वर द वेरियस फीचर्स ऑफ ऋग वैदिक सोसाइटी. देर वर अ लॉट ऑफ चेंजेस व्हेन दे वेंट फ्रॉम ऋग वेदा टू विच वेदा, लेटर वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक टू लेटर वैदिक पीरियड, देर वर अ लॉट ऑफ चेंजेस. ओके, so what kind of changes can you think of? Deteriorated. So if we see in polity, that tribal nature went away. ठीक है, power of king increased. He started doing a lot of sacrifices. है ना, we'll learn about the system of sacrifices which were there. कैसे कैसे sacrifice होते हैं, अश्वमेध sacrifice होगा, राजा पेया, वाजा सुया. सो विल डिस्कस अबाउट दैट इन द कोर क्लासेस. सो लोट ऑफ सेक्रीफाइजेस टू इनक्रीज देयर पावर इन द सोसाइटी वर डन बाय द किंग. बाय दिस टाइम इवन नंबर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स दे इनक्रीज्ड, है ना, अराउंड 16 फंक्शनरीज ऑफ किंग आर मैंशनड. सभा एंड समिति, द काइंड ऑफ पावर दैट दे यूज टू विल्ड डिक्रीज्ड. Now women, they were not allowed to participate in the meetings of Sabha and Samiti. There used to be other democratic bodies also like Gana, Parishad, etc. And some of them went away. Like Vidhata, it was abolished during this period. So the level of democratic elements we were having in the polity, they decreased. If we talk about their economy, so during this period they started practicing agriculture. Okay.
but land as a form of private property still remained, you know, still did not develop. So land, it did not, it was not part of private property. Okay, this you have to remember with respect to economy. Coinage was not there. Metal craft increased, okay, because there was increasing use of iron. Iron, the uses of iron increased during later Vedic period. Na? One of the earliest evidences is from 1100 BC, and normal uses increased during later Vedic period. Okay. Now, when we talk about religion, there was a significant shift in religion also. What kind of shift can you see? Previously, they were more materialistic in nature. ठीक है ना? अब उनका जो they were specifically praying for which three things? NCRT पढ़ा? पशु, प्रजा and sun. ठीक है ना? So they were specifically you can say हम भी यही करते हैं ना यार. पूजा किस चीज के लिए करते हो? जिस दिन पूजा होती है उसने कुछ तो मांगने पहुंच जाते हो. आज ये दिला देना. Right, so we do a lot of these yajna etc. for one specific things. These kind of you can say religion, they are known as votive offering. कि भगवान हमें ये दिला देना, मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा आके. ठीक है. So during this period, a little bit difference started coming. Previously, जब भी religion start होता है, in the beginning it is not that much in with respect to the philosophy. Now philosophy of heaven, hell etc. they started developing. Okay, Upanishad, all of us know about Upanishad. So the crux, that good knowledge that started coming during the later Vedic period. अच्छा ठीक है, कल यहीं से स्टार्ट कर लेंगे. ठीक है. सो लेटर वैदिक पीरियड में रिलीजन में ये चेंजेस हुए. ऑल राइट. देन वेन वी टॉक अबाउट क्या बच गया अपना सोसाइटी. ठीक है ना. When we talk about the society may also there were certain changes. The power of male started increasing and that of female started decreasing. Their access to education now became difficult. Okay, they were not even celebrated. Their birth was not celebrated during the later Vedic period. Okay, during the early Vedic period, the institution of caste, it was fluid in nature. It was more of varna system. But during the later Vedic period, it started becoming in more rigid in nature. है ना? Rigidity means पहले तो you can change. Like in Rig Veda, there is a poem. है ना? My father is a doctor. ठीक है ना? I am a corn grinder. My mother is a writer, etc. Something like that. Means everyone was pursuing some different kind of profession. But this profession changing became difficult from later Vedic period onwards. Okay? So the system, जो caste system है, उसका सबसे पहला जो मेंशन है, जो वर्णा सिस्टम का मेंशन है, दैट इज इन द पुरुषुषा सूक्ता हिम, इच इज गिवन इन द 10th मंडला और 10th बुक ऑफ ऋग्वेदा. ठीक है. सो विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर टुमारो. ठीक है ना. आज तो हमने काफ़ी सारी चीज़ों पे शुरुआत में बात करी कि व्हाट ऑल आर इंस्टीट्यूशंस, हाउ दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर राइटिंग आर हिस्ट्री. देन वी स्टार्टेड फ्रॉम स्टोन एज ऑनवर्ड्स एंड वी हैव रीच्ड टिल लेटर वैदिक. लेटर वैदिक से ही कल स्टार्ट करेंगे. विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर, विल रिव्यू इट एक बार फिर से, एंड देन विल फिनिश अप टिल द एंशिएंट इंडिया. ठीक है ना. आई होप टुमारो यू विल कम, एक बार एनसीईआरटी पढ़ के आएंगे जितना आज हमने पढ़ा है. इज इट क्लियर? ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. नहीं, कॉइनेज नहीं.